क्या दिया हुआ है एक्स रेस टू दी पावर फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री टू गेट एक और पॉलिनोमियल लिखा है एक्स रेस टू दावर थ्री माइनस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव अब हमसे इसमें क्या बोला गया है तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वॉट शुड बी एडेड करें इस पॉलिनोमियल में ये जो दिया हुआ है पॉलिनोमियल इसमें हम क्या एड करें कि जो दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है टू गेट के बाद ये हमको मिल जाए गेट मीन्स होता है मिलना राइट right? तो ये हमको मिल जाए तो हम इसमें कितना ऐड करेंगे तो ऐसे देख कर तो हम नहीं बता सकते राइट कि हम कितना ऐड करें तो हमें एज्यूम करना होगा कि लेट द नंबर बी दिस कोई भी नंबर आप एज्यूम कर सकते हो नंबर आपको अल्फाबेट में यूज करनी होगी अल्फ़ाबेटिकल लेटर ही होना चाहिए ए बी सी डी कुछ भी एज्यूम करिए लेकिन आप यहाँ पर एक्स मत एज्यूम करना एक्स क्यों नहीं एज्यूम कर सकते आप ये मत लिखना लेट द नंबर बी एक्स अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूं क्योंकि यहां पर देखो x वेरिएबल दिया हुआ है x ही हर जगह दिया हुआ है अगर आप ये लिख दोगे लेट द नंबर बी x तो आप कौन से वाले x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे ठीक है और आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा तो ऐसा मत करना यहां पर x अगर वेरिएबल दिया हुआ है तो आपको क्या करना होगा x को छोड़कर जो भी वैल्यू आप एज्यूम कर सकते हो अल्फाबेट में वो एज्यूम कर लीजिएगा तो हमने यहां पर क्वेश्चन नंबर हमारा ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन और फिफ्टीन सेम ऐसे ही है तो हमने वहाँ पर क्या एज्यूम किया हुआ था लेट द नंबर बी ए वो नंबर हमारे लिए ए है जो हम ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कहीं पर भी ऐसा लिखा हो वॉट मस्ट बी एडेड वॉट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड या फिर वाट शुड बी एडेड वॉट शुड बी सब्ट्रैक्टेड वहाँ पर हमें यही यूज़ करना होता है क्या यूज़ करते हैं एज्यूम करना होता है लेट द नंबर बी जो भी नंबर हम यूज़ कर रहे हैं दिस ओके तो वो लिख देते हैं ए बी सी डी कुछ भी आप लिखो बस वेरिएबल मत लिखना जो यहाँ पर दिया हुआ है तो उसका मतलब क्या होगा उसका मतलब ये होगा कि ये जो गिवन वैल्यू है ये जो पॉलिनोम हमें दिया हुआ है इसमें हम क्या ऐड कर दें ए ऐड कर दें जो हम एज्यूम कर रहे हैं तो हमें ये मिल जाएगा फिर उसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू मिलेगी तो जो ए की वैल्यू होगी वो हमारा आंसर होगा सिंपल ओके okay. तो ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस करी थी वीडियो के फर्स्ट पार्ट में तो अगर आपने वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन तक सॉल्व की थी एक्सरसाइज तो वो भी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जितनी भी एक्सरसाइज और चैप्टर्स मैंने करवाए हुए हैं उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप उसे भी सॉल्व कर सकते हैं ओके तो इसे आप जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं तो जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा कि क्या करना है आपको ओके okay? ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी ओके सो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन भी सेम वैसे ही इसमें भी हमसे पूछा गया है कि हम कितना एड करें तो जहां कहीं पर भी ये पूछा जाएगा कितना एड करें वहां पर हमें एज्यूम करना पड़ेगा तो सबसे पहले हमने लिख दिया लेट द नंबर बी ए वो नंबर हमारे लिए ए है जिसे हम ऐड करने वाले हैं पॉलिनोमियल हमारे पास क्या दिया हुआ है जिसमें हमें ऐड करना है सबसे पहला पोलिनोमियल जो दिया हुआ है वो है एक्स डेस टू दावर फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री बोला गया कि इसमें हम कितना ऐड करें तो हमने ए ऐड कर दिया गेट की जगह पर हम क्या साइन बना देंगे इक्वल का साइन और गेट के बाद जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो हमने यहाँ पर नोट कर दिया एक्स रेस्ट टू दी पावर थ्री माइनस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव तो सेम वैसे ही ऐसे भी वैसे ही सॉल्व करेंगे एक की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी ओके सो यहां पर हम नोट करेंगे ए ए के आगे प्लस का साइन दिया हुआ है तो प्लस का साइन हमें नोट नहीं करना होता अगर माइनस का साइन होता है तो क्या करते हैं नोट कर देते हैं इक्वल का साइन वैसे रहेगा और इसके बाद जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है गेट के बाद जो दिया था पॉलिनोमियल उसे हम वैसे ही नोट कर देंगे एक्स रेस टू दी थ्री माइनस सेवन एक्स प्लस फाइव इसको हमने वैसे ही नोट कर दिया जो ए के पास वैल्यू है उसे हमें क्या करना है रिप्लेस करना है तो इसे रिप्लेस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे यहां पर एक्स की पावर कितनी दे रखी है फोर और ये पॉजिटिव है तो आरएचएस में आकर ये क्या हो जाएगा नेगेटिव और यहाँ पर एक्स रेस टू दी पावर फोर ही रहेगा इसी तरीके से एक्स स्क्वायर दिया हुआ है माइनस का यहां पर आकर प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया यहां पर प्लस टू एक्स है तो यहां पर माइनस टू एक्स हो जाएगा प्लस थ्री यहां पर है माइनस थ्री यहां हो गया ओके तो ए हमें सिंगल चाहिए होता है तो ए की वैल्यू हमारे पास सिंगल आ गई जो भी ए के साथ वैल्यू थी वो हमने रिप्लेस कर दी अब हमें इसे और सॉल्व करना होगा पावर के अकॉर्डिंग तो ए हम वैसे ही नोट कर देंगे एक्स की पावर कौन सी सबसे बड़ी है यहाँ पर तो देखो एक्स की पावर फोर है एक्स की पावर फाइव तो कहीं दिया नहीं है तो सबसे बड़ी पावर क्या है एक्स रेस टू दी पावर फोर माइनस का साइन दिया हुआ है तो माइनस का साइन नोट करेंगे माइनस एक्स रेस टू दी पावर फोर अब इसके बाद कौन सी पावर है यहाँ पर एक्स की पावर थ्री दे रखी है फोर हो गई फोर के बाद कौन सी पावर देखेंगे थ्री तो यहाँ पर एक्स की पावर थ्री दी हुई है और कहीं दी हुई है नहीं दी हुई तो रिपीट नहीं हो रही तो इसको वैसे ही नोट करेंगे इसके आगे कोई साइन नहीं है तो कौन सा साइन नोट कर देंगे प्लस का प्लस एक्स रेस टू पावर थ्री हो गया इसी तरीके से अब हम क्या देखेंगे थ्री के बाद टू तो पावर टू कहाँ पर है यहाँ पर दिया हुआ माइनस सेवन एक्स स्क्वायर और कहीं हुआ? दिया हुआ है ये दिया हुआ है एक्स की पावर टू तो यहां पर भी x की पावर टू है यहां पर भी x की पावर टू है यहां पर माइनस सेवन लिखा है और यहां पर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो एक जगह माइनस है एक जगह प्लस है प्लस माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में तो दोनों को हमें क्या करना होगा माइनस अब बड़ी नंबर के आगे कौन सा साइन है यहाँ पर सेवन है यहाँ पर वन तो बड़ा कौन हुआ सेवन सेवन के आगे कौन सा साइन है माइनस का तो हम यहाँ पर माइनस का साइन नोट कर देंगे माइनस प्लस का साइन बहुत इंपॉर्टेंट है पता होना चाहिए कि बड़ी वैल्यू कौन सी है फिर वही साइन हमें यहाँ पर लगाना होगा अब यहाँ पर क्या है माइनस सेवन एक्स स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ पर एक्स स्क् माइनस के और यहाँ पर प्लस का वन स्क्वायर है तो सेवन में से वन माइनस करेंगे तो कितना आएगा सिक्स तो इस पूरी लाइन में कितने एक्स स्क्वायर हो गए सिक्स एक्स स्क्वायर सेवन में से वन माइनस कर देंगे तो कितने बचे सिक्स एक्स स्क्वायर ओके अब x की पावर टू हो गई अब हमें क्या देखना होगा x तो कहीं पर x दिया हुआ है x की पावर वन कहीं पे दिए ये दे रखी माइनस टू एक्स तो माइनस टू एक्स सिंगल दिया हुआ है कहीं और x नहीं लिखा हुआ है तो इसको हम वैसे ही नोट कर देंगे माइनस टू एक्स ओके अब बिना x वाली नंबर या डिजिट देखेंगे तो यहाँ पर देखो फाइव लिखा हुआ है प्लस का और माइनस थ्री लिखा हुआ है ये दोनों कॉन्स्टेंट है इन दोनों को सॉल्व करेंगे इनका नेचर सेम है प्लस फाइव में माइनस थ्री कर देंगे क्योंकि प्लस के फाइव है और माइनस के थ्री है पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा नेगेटिव होता है तो इन दोनों को माइनस करना होगा पहले साइन देख लीजिए कौन सा साइन यहाँ पर आएगा हर एक टर्म के बाद कोई ना कोई साइन आएगा वो आपको देख पता लगाना होगा कि कौन सा साइन आएगा यहाँ पर फाइव प्लस का और यहाँ पर थ्री माइनस का बड़ा कौन है फाइव फाइव के आगे प्लस का साइन है यहाँ पर प्लस का साइन आ गया अब फाइव में से थ्री माइनस करेंगे कितना आया टू एंड दिस इज फाइनल आंसर ओके क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन में हमारे पास एक पॉलिनोम दिया हुआ है पहले और बोल रहे हैं कि उसमें हम कितना सब्ट्रैक्ट करें अभी तक ऐड कर रहे थे अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर थर्टीन के जैसा है इसे वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे थर्टीन नंबर का क्वेश्चन सॉल्व किया था तो इसमें भी हम स्टेटमेंट डालेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे लेट द नंबर बी A, क्योंकि यहां पर भी वेरिएबल क्या है एक्स है ओके? Okay? यहां पर हमने स्टेटमेंट डाल दिया अब इसके बाद क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसे सॉल्व करेंगे। बोल रहे हैं वर्ड शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम किससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है ये बताया उन्होंने एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स क्यूब प्लस माइनस फोर ओके ये पूरा पॉलिनोमियल दिया हुआ है कह रहे हैं इसमें हम कितना सब करें तो वो हमने सब्ट्रैक्शन के लिए किसे किसेम किया हुआ है माइनस ए यहाँ पर लिख देंगे ए एज्यूम किया तो यहाँ पर माइनस ए आ गया अब इसके बाद उन्होंने बोला है टू गेट टू गेट की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा इक्वल और इक्वल के बाद टू गेट के बाद क्या दिया हुआ है दूसरी पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो उसे नोट करेंगे क्या दिया है हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स रेस टू दी पार थ्री माइनस टू एक्स और प्लस फोर प्लस फोर ओके इतना तो समझ में आ गया होगा अब क्या करना है ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है यहां पर माइनस का ये दे रखा है तो हम यहाँ पर माइनस ए नोट करेंगे माइनस दिया होगा तो नोट करना होगा इसके बाद इक्वल वैसे ही रहेगा उसके बाद का पॉलिनोमियल भी ही रहेगा तो यहाँ पर नोट करेंगे माइनस माइनस एक्स प्लस थ्री एक्स रेस टू दी पार थ्री माइनस टू एक्स प्लस फोर ओके अब इसके बाद जो एक के साथ पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसके सारे टर्म रिप्लेस होंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे यहां पर हम नोट करेंगे यहाँ पर क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर पॉजिटिव है कोई साइन नहीं है तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर इसी तरीके से माइनस का थ्री एक्स क्यूब दिया हुआ है तो यहां पर हो गया प्लस थ्री एक्स रेस टू दी पावर थ्री फिर इसी तरीके से प्लस टू एक्स दिया तो माइनस का टू एक्स हो जाएगा माइनस फोर दिया तो प्लस का फोर आ जाएगा और माइनस ए है तो उसे नोट करना नहीं है वो यूज हो चुका है ओके okay. इसके बाद क्या लिखेंगे माइनस ए वैसे रहेगा इक्वल का साइन भी वैसे ही रहेगा इसको पावर के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे तो यहां पर सबसे बड़ी पावर क्या है एक्स रेज टू दी पावर थ्री तो यहां पर एक्स की पावर थ्री बड़ी तो यहाँ पर देखेंगे कहीं रिपीट हुई है यहां पर दिया हुआ है प्लस थ्री एक्स रेस टू द्री और यहाँ पर क्या दिया हुआ है यहाँ पर भी सेम दिया हुआ है प्लस एक्स रेस टू पावर थ्री लेकिन साइन अलग नहीं है साइन अलग होते हैं तो कैंसिल होता है ऐसे नहीं होता तो साइन तो सेम है क्या हो जाएगा एड हो जाएगा ठीक तो यहाँ पर क्या है प्लस थ्री एक्स की पावर थ्री है और यहाँ पर भी प्लस थ्री एक्स की पावर थ्री है तो इसे हमने एड कर दिया टोटल कितने एक्स की पावर थ्री हो गया थ्री प्लस थ्री सिक्स हो गया इस पूरी लाइन में कितने एक्स की पावर थ्री हो गए यहाँ पर थ्री एक्स की पावर थ्री दिए हुए हैं और यहाँ पर भी थ्री एक्स के पावर थ्री दिए हुए हैं तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कितने हो गए एक्स की पावर थ्री सिक्स थ्री में थ्री ऐड किया तो सिक्स हो गया और सिक्स एक्स रेस टू पावर थ्री हो गया अब यहाँ पर प्लस का साइन नोट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है तो किसी भी पॉलिनोमियल का जो फर्स्ट टर्म होता है उसमें प्लस का साइन नोट नहीं किया जाता माइनस का कर देते हैं ओके इसके बाद हम कौन सी पावर देखेंगे एक्स की पावर टू तो एक्स की पावर यहाँ पर टू दे रखी है माइनस का एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी दिया हुआ है माइनस का एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी दिया हुआ है ओके तो दोनों ही माइनस के हैं तो क्या हो जाएंगे माइनस के तो टोटल कितने एक्स की पावर हो गई दोनों को ऐड करना होगा तो इस पूरी लाइन में एक्स स्क्वायर कितने हैं दो कौन से हैं माइनस के तो माइनस का साइन आ गया कितने है? एक यहां पर है एक यहाँ पर है तो टोटल कितने हो गए दो वन और टू दोनों ऐड हो जाएंगे वन प्लस वन तो यहाँ पर टू एक्स स्क्वायर है कौन से है माइनस के तो ये हमने नोट कर दिया अब इसके बाद x की पावर टू तो हो गया आप कौन से देखेंगे x की पावर वन या फिर सिंगल x एक ही बात है तो यहाँ पर माइनस टू एक्स दिया हुआ है और यहाँ पर भी माइनस टू एक्स दिया हुआ है टू प्लस टू करेंगे तो कितना हो जाएगा फोर तो इस पूरी लाइन में कितने टू एक्स हो गए माइनस के माइनस के टू एक्स यहां पर भी है माइनस के टू एक्स यहाँ पर भी है तो टोटल कितने एक्स हो गए फोर टू प्लस टू फोर हो गए तो माइनस के फोर एक्स हैं इस पूरी लाइन में ओके इसके बाद बिना एक्स वाली वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पर देखो फोर दिया है प्लस का और यहाँ पर भी प्लस का फोर दिया है तो इन दोनों को ऐड करेंगे इन दोनों को ऐड करने में हमारे पास क्या आएगा फोर प्लस फोर मतलब एट फोर में फोर ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया एट प्लस है तो प्लस का साइन आ गया नंबर हमने क्या एज्यूम किया था यहाँ पर हम क्या सब कर रहे थे ए और वैल्यू किसकी आई है माइनस ए की तो माइनस ए हमें थोड़ी फाइंड आउट करना है ए फाइंड आउट करना है तो यहाँ से ये यह माइनस हमें रिमूव करना होगा उसके लिए हमें क्या करना होगा यहाँ पर इस पूरे पॉलिनोम में माइनस कॉमन लेना होगा जब भी ऐसी कंडीशन हो जहां पर हमें दो वैल्यूज दे रखी हो एक एल में एक आर में इक्वल के एक पहले एक बाद में तो हमें क्या है वहां पर अगर माइनस का साइन दिया तो दूसरे वाले में हमें माइनस कॉमन लेना होता है तो यहाँ पर हम माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमें ब्रैकेट ऑन करना होगा अगर हम माइनस कॉमन ले रहे हैं तो हमें ब्रैकेट ऑन करना होगा अब ब्रैकेट ऑन करने के बाद क्या होगा देखो ये सिक्स है प्लस माइनस मतलब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव किस में कन्वर्ट होता है माइनस में तो माइनस का साइन यहाँ पर आएगा ओके सो आप इतना समझ लो अगर हम माइनस कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर जितने भी टर्म्स दे रखे उन सब का साइन फिर से बदल जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर देखो इसके आगे कोई साइन नहीं है मतलब ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा नेगेटिव माइनस सिक्स एक्स क्यू क्यों क्योंकि हमने यहाँ पर माइनस कॉमन लिया प्लस माइनस माइनस में कन्वर्ट हो गया ऐसे भी समझ सकते हैं डिवाइड में या फिर आप यूं समझ लो कि साइन बदल जाएगा माइनस माइनस किस में कन्वर्ट होता है प्लस में सेम साइन प्लस में कन्वर्ट होते हैं तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा और यहाँ पर क्या है टू एक्स स्क्वायर ये वैसे ही रहेगा साइन बस चेंज हो जाएंगे देखो माइनस का था ब्रैकेट के अंदर प्लस का आ गया इसी तरीके से ये भी माइनस का है तो ये भी पॉजिटिव होगा देखो माइनस माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे प्लस में और फोर एक्स नोट कर दिया इसी तरीके से माइनस प्लस किस में कन्वर्ट होगा माइनस में और देखो ये प्लस का दिया तो यहां पर ब्रैकेट के अंदर किस में कन्वर्ट हो गया माइनस में सिंपल है ब्रैकेट के अंदर आने पर जो भी साइन है वो चेंज हो जाएगा अगर माइनस में है तो प्लस में कन्वर्ट होगा प्लस में है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी हर एक टर्म ओके अब इस पूरे में हमने माइनस कॉमन लिया तो यहां पर हमारे पास माइनस है यहां पर भी माइनस है तो क्या करेंगे इट्स इम्प्लाइज का साइन बनाएंगे इसका मतलब है कि ये दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए ठीक है कंपेयर होने के बाद ये कैंसिल हो जाते हैं तो यहां पर ये कैंसिल हो गए और ए इज इक्वल टू कितना आ गया अब जब यहां से माइनस हट गया क्योंकि माइनस यहां पर लगा रहे थे इसलिए ब्रैकेट ऑन किया था तो माइनस यहां से जब हट गया इसके साथ कैंसिल हो गया तो ब्रैकेट क्यों लगाएंगे ब्रैकेट भी नहीं लगाएंगे यहां पर आ जाएगा माइनस सिक्स एक्स रेस टू दी पावर थ्री प्लस टू एक्स स्क्वे प्लस फोर एक्स माइनस एट एंड दिस इज आर फाइनल आंसर ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन एटीन में भी वही बोला गया है तो सबसे पहले स्टेटमेंट डाल देते हैं लेट द नंबर बी ओके तो इसमें बोला गया है कि हम कितना सब्ट्रैक्ट करें या क्या सब्ट्रैक्ट करें तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास किसमें हमें सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला है ओके सो यहां पर हमसे बोला गया है एक्स रेज टू द्री माइनस थ्री एक्स स्क्वेर प्लस टू एक्स माइनस वन में हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमारे पास आंसर में क्या आ जाए टू गेट दिए टू ठीक टू आ जाए तो सेम वैसे ही है यहाँ पर हम पूरा पॉलिनोमियल नोट कर देंगे जो फर्स्ट नंबर पर दिया हुआ है माइनस करने को बोल रहे हैं तो माइनस का साइन आएगा एज्यूम कर चुके हैं हम नंबर क्या है ए कि हम इसमें ए सब्रैक्ट कर देते हैं ये हमने एज्यूम किया टू गेट की जगह पर इक्वल का साइन आ गया और इन्होंने बताया कि टू आना चाहिए तो यहाँ पर हमने टू नोट कर दिया ओके अब क्या करेंगे ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो माइनस ए वैसे ही नोट करेंगे इक्वल का साइन भी वैसे ही रहेगा टू भी हम वैसे ही नोट कर देंगे और इसके बाद जो पॉलिनोमियल दिया है इसका क्या करते हैं साइन चेंज कर देते हैं और रिप्लेस करते हैं तो एक्स की पावर यहाँ थ्री दी है पॉजिटिव है तो यहाँ आकर नेगेटिव हो गया एक्स की पावर थ्री वैसी रहेगी अब यहाँ पर थ्री एक्स स्क्वायर दिया है माइनस का यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा माइनस की जगह प्लस का हो जाएगा तो प्लस थ्री एक्स स्क्वायर हो गया ये प्लस टू एक्स है यहाँ पर माइनस टू एक्स हो जाएगा ये माइनस वन है प्लस वन हो गया अब क्या करेंगे माइनस ए वैसे ही लिख देंगे इक्वल का साइन लगाएंगे और इसे पावर में पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे बड़ी पावर कौन सी है एक्स की पावर थ्री कहीं और कोई सी पावर नहीं दे रखी कहीं फोर दिया है नहीं दिया तो माइनस एक्स रेस टू दी पावर थ्री ये सबसे बड़ा है तो ये पहले हम नोट कर देंगे और कहीं रिपीट नहीं हुआ तो डायरेक्ट आ जाएगा इसी तरीके से इसके बाद हम क्या देखेंगे एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर दिया हुआ और कहीं रिपीट नहीं हुआ तो जैसा दिया है वैसे ही नोट करेंगे प्लस थ्री एक्स स्क्स की पावर टू कल अब सिंगल एक्स देखेंगे सिंगल एक्स कितना है यहाँ पर माइनस टू एक्स और कहीं दिया हुआ नहीं दिया तो माइनस टू एक्स वैसे ही रहेगा अब प्लस वन यहाँ पर दिया है बिना एक्स की वैल्यू और यहाँ पर टू दिया है। तो कॉन्स्टेंट है इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं इन दोनों का नेचर सेम है तो टू यहाँ पर प्लस का है यहाँ पर प्लस वन है दोनों को ऐड करने में कितना आएगा टू प्लस वन कितना हो गया थ्री और प्लस का साइन आ जाएगा क्योंकि कोई और साइन दिया नहीं है ओके तो यहाँ पर हो गया प्लस थ्री इतना करने के बाद अब यहाँ पर देखो माइनस ए की वैल्यू आई है हमने क्या एज्यूम किया हुआ है ए ए हमने माइनस किया तो हमें ए की वैल्यू चाहिए माइनस ए की नहीं तो हम क्या करेंगे इस पूरे पॉलिनोमियल में जो हमारे पास सॉल्व करने के बाद आया है इसमें माइनस कॉमन लेंगे यहाँ पर हम नोट करेंगे माइनस ए इज इक्वल टू इस पूरे में माइनस जब हम कॉमन लेंगे तो हमें माइनस लिखना होगा और ब्रैकेट ऑन करना होगा ये बहुत जरूरी है अगर आप ब्रैकेट नहीं ऑन करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा ओके इसलिए ब्रैकेट ऑन करना होगा और हर एक टर्म का जो साइन है फिर से चेंज होगा यहाँ पर देखो माइनस माइनस क्या है प्लस में कन्वर्ट हो गया तो प्लस अगर आप लिखना चाहो लिख दो अदरवाइज नहीं लिखना मत लिखो तो अभी मैंने बना दिया तो लिख देते हैं और एक्स की पावर यहाँ पर हो गई थ्री अब इसी तरीके से माइनस प्लस किस में कन्वर्ट हो गया माइनस में थ्री एक्स स्क्वायर आ गया फिर इसी तरीके से यहाँ पर क्या है माइनस और यहाँ पर भी माइनस है थर्ड वाले में हर एक टर्म में हमको देखना होगा कौन से साइन दिए हुए तो माइनस माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में यहाँ पर हो गया प्लस टू एक्स और यहाँ पर प्लस दिया हुआ है और यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस में कन्वर्ट होगा और ये थ्री आ गया ब्रैकेट क्लोज कर देंगे इतना समझ में आ गया होगा अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप क्या करना अगर कोई चीज माइनस में दे रखी है वो किस में कन्वर्ट हो गई प्लस में तो प्लस आप लिखना चाहो फर्स्ट टर्म के आगे तो लिख दो अदरवाइज मत लिखना नहीं लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा ओके फिर इसके बाद प्लस का थ्री एक्स स्क्वायर दिया है तो ब्रैकेट के अंदर आने के बाद किस में कन्वर्ट हो गया माइनस थ्री एक्स स्क्वायर में यहाँ पर माइनस टू एक्स है तो प्लस टू एक्स में कन्वर्ट हो गया और प्लस थ्री है तो माइनस थ्री में कन्वर्ट हो गया तो सिंपल अगर हम माइनस कॉमन ले रहे हैं तो ब्रैकेट ऑन करने के बाद जितने भी टर्म्स दे रखे थे इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा ओके okay? जब हम माइनस कॉमन लेंगे अब माइनस हमारे पास यहाँ पर आ गया इस पूरे टर्म्स से जो हमने कॉमन लिया ये नहीं कि यहाँ पर माइनस दिया तो हम कैंसिल कर दे नहीं पूरे टर्म्स में हमको माइनस कॉमन लेना होगा इसीलिए हमने ब्रैकेट ऑन किया तो जब सब जगह से माइनस कॉमन आएगा तब हम इसको क्या करेंगे कंपेयर कर देंगे तो एट सिंपलाइज देट का यहाँ पर साइन बन जाएगा इसका मतलब क्या है ये दोनों माइनस हो गए कैंसिल यहाँ पर क्या बचा ए इक्वल का साइन वैसी रहेगा और ये जो पॉलिनोमियल है यहाँ पर ये यह हम यहाँ पर नोट कर देंगे ब्रैकेट हटाकर क्योंकि माइनस हट गया तो ब्रैकेट भी हट जाएगा यहाँ पर प्लस का साइन दिया है तो फर्स्ट टर्म के आगे अगर प्लस का साइन होता है तो उसे हम नोट नहीं करते तो एक्स रेस थ्री रहेगा फिर इसके बाद माइनस थ्री एक्स स्क्वा तो इसको नोट कर देंगे प्लस टू एक्स है तो प्लस टू एक्स आ गया और माइनस थ्री है तो माइनस थ्री आ गया एंड दिस इज आर फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर नाइनटीन भी सेम वैसे ही है तो पहले स्टेटमेंट डाल देते हैं फिर सॉल्व करेंगे ओके सर यहाँ पर नंबर हमने रेज्यूम कर ली अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसे सॉल्व करेंगे क्या दिया हुआ है एक्स रेस टू दी पावर थ्री माइनस टू एक्स स्क्वेर प्लस फोर एक्स प्लस वन ये पूरा पॉलिनोम दिया है कह रहे हैं इसमें हम क्या सब्ट्रैक्ट करें तो हमने ए अज्यूम कर लिया तो माइनस ए कर देंगे टू गेट कितना बोला है गेट के बाद गेट की जगह इक्वल का साइन आ गया गेट के बाद क्या दिया है वन तो वन यहाँ पर हम नोट कर देंगे माइनस ए दिया है तो यहां पर माइनस का साइन हम नोट करेंगे माइनस ए नोट कर दिया इक्वल का साइन वैसे रहेगा वन दिया हुआ है तो वन नोट किया अब ए के साथ जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको हम इधर पे शिफ्ट करेंगे एक एक टर्म सबका साइन चेंज होगा यहाँ पर एक्स की पावर थ्री है पॉजिटिव है यहाँ पर आकर नेगेटिव हो गया और माइनस एक्स रेस टू दी पावर थ्री हो गया इसी तरीके से ये माइनस का है तो यहाँ आकर प्लस की टू एक्स स्क्वायर हो गया ये प्लस में है तो माइनस में हो गया माइनस फोर एक्स और प्लस का वन है यहाँ पर ये यह माइनस का वन हो गया रिप्लेस करने के बाद क्या करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो माइनस है अभी वैसे ही रहेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर अरेंज करेंगे सबसे बड़ी पावर क्या है एक्स रेस टू दी पावर थ्री कहीं और रिपीट हुआ है नहीं हुआ तो इसको हम वैसे ही नोट कर देंगे माइनस एक्स रेस टू पावर थ्री इसके बाद कौन सी पावर है एक्स रेस टू दी पावर टू कहीं और रिपीट हुआ है नहीं तो इसको हम वैसे ही नोट कर देंगे टू एक्स स्क्वायर अब इसके बाद एक्स की पावर वन कहीं दे रखी है ये दे रखिए फोर एक्स कहीं और रिपीट भी नहीं हुआ तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस फोर एक्स अब क्या देखेंगे बिना एक्स वाली वैल्यू यहाँ पर दे रखिए माइनस वन और यहाँ पर प्लस वन तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल कोई भी नंबर या कोई भी वैल्यू एक बार प्लस में एक बार माइनस में तो क्या होती है कैंसिल जीरो हो जाएगी वन में वन माइनस करेंगे तो कितना आएगा ज़ीरो जीरो लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अब यहाँ पे माइनस ए है माइनस ए की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट नहीं करनी थी यहाँ पर हमने क्या सब किया है ए तो ए हमें फाइंड आउट करना है माइनस ए थोड़ी फाइंड आउट करना है तो माइनस रिमूव करना होगा इसके लिए हमें क्या करना होगा दूसरे वाले पॉलिनोमियन में जो ये पॉलिनोमियन आया है इसमें माइनस कॉमन लेना होगा तो माइनस कॉमन लेते ही ब्रैकेट ऑन करेंगे और जितने भी टर्म्स यहाँ पर दे रखे हैं सबके साइन चेंज हो जाएंगे तो माइनस माइनस किस में कन्वर्ट हो गया प्लस में तो प्लस का साइन आप लिखना चाहो लिख दो नहीं लिखना हो तो और अच्छी बात है मत लिखना प्लस माइनस माइनस में कन्वर्ट हो गया माइनस आ गया और टू एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा तीसरा टर्म क्या है माइनस फोर एक्स और यहाँ पर माइनस है माइनस माइनस किस में कन्वर्ट हो गया प्लस में और यहाँ पर फोर एक्स आ गया और ये क्लोज हो गया देखो ये माइनस में दिया था एक्स क्यूब तो प्लस का हो गया मतलब इसके आगे कोई साइन नहीं है इसका मतलब ये प्लस का है ये प्लस में दिया हुआ है टू एक्स स्क्वायर तो माइनस में आ गया यहाँ पर और ये माइनस में दिया है फोर एक्स तो यहाँ पर प्लस का फोर एक्स हो गया अब इस पूरे पॉलिनोम में हमारे पास माइनस कॉमन आ गया यही करना होता है माइनस कॉमन लेने के बाद क्या करेंगे कंपेयर कर देंगे तो इट्स सिंपलाइज दैट का साइन बना देंगे इसका मतलब क्या है ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया ए इज इक्वल टू माइनस कैंसिल हुआ तो ब्रैकेट भी हट जाएगा यहाँ पर जो भी पॉलिनोमियल बचा हुआ है वो लिख देंगे एक्स रेस टू दी पावर थ्री माइनस टू एक्स स्क्वे प्लस फोर एक्स दिस इज आर फाइनल आंसर आई होप समझ में आ रहा होगा ओके सो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में हमारे पास क्या दिया हुआ है फ्रॉम द सम ऑफ एक्स रेस टू दावर फोर माइनस थ्री एक्स क्यू प्लस टू एक्स प्लस सिक्स एट पॉलिनोमियल दिया हुआ है एंड दूसरा भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है फिर लिखा है सब्रैक्ट और एक थर्ड पॉलिनोमियल भी दे रखा है ओके okay. तो इसमें कहीं पे भी व्हाट शुड बी एडेड और शुड बी सब्ट्रेक्टेड ये सब कहीं नहीं लिखा ओके okay? तो जहां पर what नहीं लिखा है तो वहां पर हम अज्यूम नहीं करेंगे जहां पे ये लिखा होगा मस्ट बी एडेड मस्ट बी सब वॉट शुड बी एडेड वॉट शुड भी सब्रेक्टेड तो वहां पर हमें एज्यूम करना होगा क्योंकि उसमें पूछा जा रहा है कि क्या एड करें क्या सब करें ठीक तो वहां पर हम एज्यूम कर लेंगे लेट द नंबर बी ए जो भी आप एज्यूम करना चाहो वो लेकिन यहाँ पर एज्यूम करने को नहीं बोला है। उन्होंने आपको सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है और इसे आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है इसमें कुछ भी एज्यूम नहीं करना तो क्या बोला है कह रहे हैं, इन दोनों पॉलिनोमियल के सम सम मीन्स होता है ऐड add करना एडिशन तो इन दोनों को हमें ऐड करना है ये दोनों पॉलिनोमियल जो पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे दे रखा है हमें ऐड करना होगा और इनका जो सम आएगा उससे हमें किसे माइनस करना है ये सब ट्रैक्ट मीनस होता है माइनस करना इस पॉलिनोमियल को माइनस करना सिंपल तो पहले हमें पहली वाली पॉलिनोमियल लिखनी है फिर प्लस का साइन लगाना है फिर दूसरी पॉलिनोमियल लिखनी है फिर माइनस का साइन नोट करना है और फिर तीसरी वाली पॉलिनोमियल लिखनी है ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में हमारे पास क्या दिया हुआ है कह रहे हैं फ्रॉम द सम ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड दिस पॉलिनोम शुरू में उन्होंने दो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं तो उसमें फ्रॉम लिखा है फ्रॉम के बाद जो भी पॉलिनोमियल दिया होता है उसे हम पहले लिख देते हैं तो यहाँ पर पहले नंबर पर जो पॉलिनोम दिया था वो लिखा सम बोल रहे हैं इसलिए प्लस का साइन आ गया और दूसरे नंबर पर जो पॉलिनोम दिया था वो हमने नोट कर दिया क्या दिया था पहले नंबर पर x रेस टू दाइनस थ्री एक्स क्यूब प्लस टू एक्स प्लस सिक्स ये पहला पॉलिनोमियल दिया था एंड लिखा था एंड की जगह प्लस का साइन आया क्योंकि बोल रहे हैं वो सम फ्रॉम द सम मीन्स होता है एड करना तो एड यानी प्लस का साइन आ गया फिर दूसरा पॉलिनोमियल भी उसी के बाद लिखा हुआ था तो वो भी हमने नोट किया क्या लिखा था एक्स रेस टू दी पावर फोर माइनस थ्री एक्सर प्लस टू ये दोनों को ऐड कर दिया हमने आप बोले सप्रैक्ट सब्ट्रैक्ट के लिए क्या आएगा माइनस का साइन आएगा फिर एक और पॉलिनोमियल उन्होंने दिया तो कभी भी कहीं पर भी माइनस का साइन कहीं पर आ रहा है किसी भी पॉलिनोमियल के पहले तो उस पॉलिनोमियल को आपको ब्रैकेट में लिखना होगा जो माइनस के बाद आ रहा है okay? ओके कहीं पर भी माइनस का साइन दिया है और उसके बाद कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक से ज़्यादा टर्म्स दे रखे हैं तो उसे हमें ब्रैकेट में लिखना ही होगा क्यों क्योंकि उसमें साइन चेंज होंगे अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे रॉन्ग हो जाएगा प्लस में ऐसा कुछ नहीं होता प्लस के बाद कोई पॉलिनोमियल दिया है तो उसमें साइन चेंज नहीं होते जो दिए हैं वैसे ही रहते हैं ओके okay? लेकिन माइनस में क्या होता है साइन चेंज हो जाते हैं इसलिए कहीं पर भी अगर माइनस लगा है और पॉलिनोमियल दिया यानी कि एक से ज्यादा टर्म्स दे रखे तो आपको क्या करना होगा ब्रैकेट ऑन करना होगा और उस पूरे पॉलिनोम को ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा सब बोला था तो माइनस का साइन आया इसके बाद कौन सा पॉलिनोमियल दिया है एक्स रेस टू दी पावर थ्री माइनस थ्री एक्स प्लस फोर तो इसको हमने ब्रैकेट में लिखा क्यों क्योंकि इसके पहले माइनस लगा है ओके इतना समझ आ गया ना कहीं पर भी माइनस का साइन दिया हो और कोई भी पॉलिनोमियल दिया है माइनस के बाद तो हमें क्या करना होगा ब्रैकेट ऑन करना होगा और ब्रैकेट के अंदर उस पूरे पॉलिनोमियल को लिखना होगा जो माइनस के बाद है ओके okay. अब इसे सॉल्व करते हैं तो आगे इक्वल का साइन लगाएंगे तो अब इन दोनों पॉलिनोमियल को हमें ऐड करना है तो इन दोनों को सॉल्व करना होगा सबसे बड़ी पावर के अकॉर्डिंग ही हम इसे सॉल्व कर सकते हैं ठीक तो सबसे बड़ी पावर यहां पे क्या है एक्स डेस टू दी पावर फोर यहाँ पर भी दिया हुआ है स्टार्टिंग में और इसके सेंटर में भी लिखा हुआ है प्लस एक्स रेस टू दी पावर फोर तो कितनी एक्स की पावर फोर है इस पूरी लाइन में टू एक्स रेस्ट टू पावर फोर है ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है दोनों ऐड हो गए सेम साइन हो या सेम कंडीशन में दे रखे हो तो ऐड होते है. ओके तो यहाँ पर क्या आ गया टू एक्स रेस टू पावर फोर और सबसे पहला टर्म है इसलिए इसके आगे प्लस का साइन नहीं आएगा माइनस होता तो लिख देते ओके यहाँ पर x की पावर फोर तो हो गया अब क्या देखेंगे x की पावर थ्री तो यहाँ पर देखो माइनस थ्री एक्स की पावर थ्री दिया हुआ है और कहीं दिया है जितने में हमसे प्लस करने को बोला है अभी उतने में देखें। देखेंगे देखेंगे अभी माइनस के बाद जो पॉलिनो लिखा है उसको नहीं सॉल्व करेंगे क्यों क्योंकि अभी उसमें माइनस का मल्टीप्लाई होगा ओके तो अभी यहाँ टू तक ही इसको सॉल्व करेंगे एक्स तो की पावर थ्री कहीं रिपीट नहीं हुआ तो इसको हम वैसे ही नोट करेंगे माइनस थ्री एक्स रेस टू दी पावर थ्री अब एक्स की पावर फोर हो गया एक्स की पावर थ्री हो गया अब एक्स की पावर टू देखेंगे तो एक्स की पावर टू दिया हुआ है यहाँ पर एक ही बार दिया है इस पूरी लाइन में तो इसको भी हम वैसे ही नोट कर देंगे माइनस थ्री एक्स स्क्वायर अब एक्स देखेंगे एक्स कहीं दिया है यहाँ पर प्लस टू एक्स दिया है और यहाँ पर सिक्स टू एक्स दिया है ये भी प्लस का है तो दोनों जगह प्लस का है तो प्लस का साइन आ गया कितने एक्स हो गए यहाँ पर छ है यहाँ पर दो है तो टोटल कितने हो गए सिक्स प्लस टू मतलब एट तो यहां पर क्या हो गया एट एक्स ओके यहाँ कितने एक्स हो गए यहां पर सिक्स एक्स है यहां पर टू एक्स है तो टोटल इस लाइन में कितने एक्स है एट एक्स अब इसके बाद बिना एक्स वाले देखेंगे तो देखो यहां पर सिक्स दिया है और यहां पर टू दिया है तो इन दोनों को भी हम ऐड कर देंगे तो ये दोनों डिजिट जब ऐड हो जाएंगे तो किसमें कन्वर्ट होंगे देखो सिक्स दिया है प्लस का प्लस टू तो प्लस का साइन आ गया सिक्स में टू ऐड करें तो कितना हो गया एट ओके okay? इतना समझ में आ गया होगा कि दो पॉलिनोमियल जिसमें प्लस का साइन दिया उसको हमें सिम्प्लीफाई करना है ठीक है सिंप्लीफाई का मतलब है एक जो पावर है जो भी सिंगल पावर है वो एक ही बार रिपीट होनी चाहिए जैसे एक्स की पावर फोर है तो एक बार होनी चाहिए पूरी लाइन में पूरे फुल पॉल पॉलिनोमियल में ये कह लो तो एक्स की पावर जो थ्री है वो पूरे फुल पॉलिनोमियल में जो आया है एक बार रिपीट होनी चाहिए फिर एक्स की पावर टू भी देखो एक ही बार है और एक्स भी एक बार है और ये बिना एक्स वाली नंबर भी एक ही बार है ओके अब क्या करेंगे माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड वाले टर्म तो माइनस का चाहे हम मल्टीप्लाई करें या माइनस हम कॉमन लें इन दोनों ही कंडीशन में क्या होगा साइन चेंज हो जाएंगे माइनस कॉमन लेंगे तो पॉलिनोमियल जो भी दे रखा होगा ऊपर उसका साइन चेंज हो जाएगा जब वो ब्रैकेट के अंदर आएगा और इसी तरीके से जब हम माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ब्रैकेट से बाहर आएगा पॉलिनोमियल और इसका साइन चेंज हो जाएगा कैसे देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव है और ये माइनस का साइन है तो प्लस माइनस किस में कन्वर्ट होगा माइनस में हमेशा ऑपोजिट साइन किस में कन्वर्ट होते हैं नेगेटिव में तो माइनस के साइन में कन्वर्ट हो गया ये एक्स की पावर हो गई थ्री देखो यहाँ ये पॉजिटिव था बाहर आने के बाद नेगेटिव हो गया अब यहाँ पर ब्रैकेट हटेगा अब माइनस माइनस दूसरा टर्म क्या है माइनस की थ्री एक्स तो माइनस माइनस किस में कन्वर्ट हो गया प्लस में सेम साइन प्लस में कन्वर्ट होते हैं और ये थ्री एक्स हो गया ये देखो ये नेगेटिव था ब्रैकेट से बाहर आने के बाद पॉजिटिव हो गया अब इसी तरीके से यहाँ पर ये माइनस है और ये प्लस है माइनस प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में और यहाँ पर फोर आ गया ये देखो ये देखो पॉजिटिव था और ब्रैकेट हट चुका है ये नेगेटिव हो गया ओके तो इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना होगा जब कभी भी माइनस का या तो हम मल्टीप्लाई करेंगे या फिर हम माइनस कॉमन लेंगे इन दोनों ही केस में क्या होगा साइन चेंज हो जाएगा जो पॉलिनोमियल यहाँ पर दे रखा है उसका ओके अब देखो इस पूरी लाइन में फिर से पावर रिपीट हो रही है एक्स की पावर थ्री है देखो रिपीट हो रही है ठीक इसी तरीके से एक्स भी रिपीट हो रहा है तो जब तक ये रिपीट होगा तब तक हम इसको सॉल्व करते जाएंगे कब तक सॉल्व करना होगा जब तक ये सिंगल पावर ना हो जाए और वो रिपीट नहीं होनी चाहिए बस अब इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में एक बार और अरेंज करेंगे और फिर हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा ओके okay. सो so, इस पूरी लाइन में यहां पर जितने भी टर्म्स दे रखे हैं तो x की पावर फोर सबसे बड़ी है। और कहीं रिपीट भी नहीं हुआ तो इसको हम वैसे ही नोट कर देंगे यहां पर हमने लिख दिया टू एक्स रेस टू दी पावर फोर क्यों क्योंकि ये तो रिपीट ही नहीं हुआ और सबसे बड़ी पावर है इसके बाद कौन सी पावर है x की पावर थ्री तो एक्स की पावर थ्री देखो यहाँ पर दिया हुआ है माइनस थ्री एक्स की पावर थ्री और कहीं दे रखी है यहाँ पर भी दे रखी है एक्स वे टू दी पावर थ्री यहां पर भी माइनस का है और यहाँ पर भी माइनस का है एक्स की पावर थ्री यहां पर भी माइनस की, की है और यहाँ पर भी माइनस की है ओके तो दोनों जगह माइनस की है तो टोटल तो माइनस की एक्स की पावर थ्री कितनी बार दे रखी है यहाँ पर देखो यहाँ पर थ्री टाइम्स है यहाँ पर वन टाइम तो टोटल माइनस की एक्स की पावर थ्री इस पूरी लाइन में कितने टाइम्स हो जाएगी थ्री टाइम्स यहाँ है वन टाइम यहां तो थ्री में वन ऐड किया किस में कन्वर्ट हो गया फोर में तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का साइन आएगा क्योंकि दोनों जगह माइनस दिया हुआ है माइनस का साइन आ गया थ्री यहाँ है वन यहाँ है टोटल क्या हो जाएगा फोर तो फोर एक्स की पावर थ्री इस पूरी लाइन में है अब इसके बाद हमारे पास क्या आ गया माइनस फोर एक्स रेस टू दी पावर थ्री अब इसी तरीके से एक्स की पावर टू यहाँ पर दे रखी की माइनस थ्री एक्स स्क्वायर कहीं और नहीं दिया तो इसको हम वैसे नोट कर देंगे अब x देखेंगे x क्या है देखो यहाँ पर एट एक्स दिया हुआ है और और कहीं दिया हुआ है x यहाँ पर भी दिया हुआ है थ्री एक्स ठीक है दोनों जगह प्लस का साइन है तो यहां पर प्लस का साइन आ जाएगा और दोनों ऐड हो जाएंगे तो टोटल तो यहाँ पर x कितने दे रखे हैं एट यहां है थ्री यहाँ टोटल कितने हो गए एट में थ्री ऐड कर दीजिए यहाँ पर हमारे पास कितने x हैं प्लस के अलेवन है समझ में आ गया होगा अब इसके बाद बिना एक्स वाली वैल्यू देख लेते हैं यहां पर देखो प्लस एट दिया हुआ है यहां माइनस फोर दिया हुआ है प्लस माइनस माइनस में कन्वर्ट होते हैं एट में फोर माइनस करेंगे कितना आएगा फोर अब देखो जो बड़ी वैल्यू है जो बड़ी डिजिट है इसके आगे कौन सा साइन है प्लस का तो यहां पर हम क्या नोट करेंगे प्लस और इन दोनों को माइनस करने में कितना आया फोर ओके अब देखो कोई भी पावर रिपीट नहीं हो रही है एक्स की पावर फोर यहाँ एक्स की पावर थ्री यहां है एक्स की पावर टू यहां है एक्स वन टाइम यहाँ और यहां पर एक्स की पावर जीरो है मतलब है ही नहीं तो ये रिपीट नहीं हो रहा है इसका मतलब ये फाइनल आंसर जब तक रिपीट होते हैं तब तक फाइनल आंसर नहीं आता ओके ओके सो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन भी ट्वेंटी जैसा ही है यहां पर भी बोला है फ्रॉम द सम ऑफ और दो पॉलिनोमियल दिए हुए तो जो दो पॉलिनोमियल दिए हुए थे उनको हमने यहाँ पर नोट कर दिया सम बोले तो प्लस का साइन आ जाएगा ओके सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ तो तो था तो माइनस का साइन आया सब्ट्रैक्ट के बाद एक और पॉलिनोम दिया हुआ था तो वो हमने नोट कर दिया और कभी भी माइनस का साइन दिया हो तो पॉलिनोमियल जो माइनस के बाद दे रखा है अगर एक से ज्यादा टर्म है तो क्या करना होगा ब्रैकेट ऑन करना होगा और उस पॉलिनोमियल को ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा तो यहाँ पर पहला पॉलिनोमियल हमें क्या दे रखा है x रेस टू दावर फोर माइनस थ्री एक्स क्यूब प्लस टू एक्स प्लस फाइव दूसरा पॉलिनोमियल एंड में दिया हुआ था तो एंड की जगह पर हम क्या नोट कर देंगे प्लस क्योंकि सम बोला गया कह रहे इन दोनों के सम से हम किसे माइनस करने वाले हैं थर्ड वाले पॉलिनोमियल को सिंपल है तो सेकेंड पॉलिनोम क्या है टू एक्स रेस टू दी पावर फोर माइनस थ्री एक्स क्यूब प्लस नाइन एक्स प्लस ट्वेल्व ओके माइनस सब की जगह नोट कर दिया और पॉलिनोमियल थर्ड वाला सब्ट्रैक्ट के बाद जो दे रखा है उसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा क्या है ये पॉलिनोमियल फाइव एक्स रेस टू दी पावर थ्री माइनस थ्री एक्स स्क्वे प्लस एट अब हमें वैसे ही इसे सॉल्व करना होगा जैसे ट्वेंटी सॉल्व किया सबसे पहले ये जो प्लस में दे रखे हैं दोनों पॉलिनोमियल इनको सॉल्व करेंगे इनकी पावर के अकॉर्डिंग ओके सो यहां पर सबसे बड़ी पावर क्या है एक्स की देखो तो एक्स रेस टू पावर फोर इसके अलावा एक्स की पावर फाइव तो दिया नहीं है कहीं तो एक्स की पावर फोर सबसे बड़ा है एक्स की पावर फोर यहाँ एक बार है और यहाँ दो बार है तो इस पूरी लाइन में एक्स की पावर फोर कितने टाइम्स हो गया थ्री टाइम्स राइट तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे थ्री एक्स रेज टू पावर फोर और आगे ये दोनों प्लस के हैं अगर माइनस के होते तो माइनस का साइन नोट कर देते तो फर्स्ट टर्म है तो किसी भी पॉलीनोमियल के फर्स्ट टर्म के आगे प्लस का साइन नोट नहीं करते ओके okay. सो so, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया थ्री एक्स रेस टू दी पावर फोर टू यहाँ वन यहाँ दोनों ऐड हो गए अब एक्स की पावर थ्री देखेंगे देखो यहाँ पर दिया हुआ है माइनस थ्री एक्स दी पावर थ्री और यहाँ पर भी सेम वही दिया हुआ है माइनस थ्री एक्स रेस टू दावर थ्री अब क्या करना होगा दोनों जगह अगर सेम साइन होते हैं तो ऐड करना होता है तो माइनस के एक्स की पावर थ्री यहाँ पर भी है माइनस के एक्स की पावर थ्री यहाँ पर भी है कितने टाइम्स दिया हुआ है माइनस के एक्स की पावर थ्री थ्री टाइम्स दिया हुआ है यहाँ पर और थ्री टाइम्स यहां पर भी है तो टोटल कितने टाइम्स है माइनस एक्स की पावर थ्री इस पूरी लाइन में सिक्स थ्री में थ्री ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा सिक्स तो माइनस सिक्स एक्स की पावर थ्री यहाँ पर हम नोट कर देंगे ओके सो so, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया माइनस सिक्स एक्स क्यूब कैसे आया ये पता है ना माइनस के दोनों जगह दे रखे हैं एक्स की पावर थ्री तो इसलिए माइनस का साइन आएगा और कितने हो गए दोनों तो को ऐड कर दीजिए टोटल माइनस के कितने एक्स की पावर थ्री है थ्री और थ्री ऐड हो गए तो सिक्स है सिक्स एक्स की पावर थ्री यहाँ पर माइनस की है ओके okay. अब इसके बाद हमें क्या देखना है एक्स की पावर टू तो एक्स की पावर टू दे रखी है कहीं इस पूरी लाइन में दोनों पॉरिनोमियल में कहीं नहीं दे रखा तो उसे नोट नहीं करेंगे क्योंकि नहीं दिया तो नहीं करेंगे नोट अब इसके बाद x की सिंगल पावर देखेंगे तो यहाँ पर देखो वन टाइम है क्या दिया हुआ है प्लस टू एक्स और यहाँ पर प्लस नाइन एक्स तो दोनों जगह प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आ जाएगा यहाँ पर नाइन एक्स है यहां पर टू एक्स है दोनों ऐड हो जाएंगे सेम साइन ऐड हो जाते हैं तो यहाँ नाइन और टू टोटल कितने एक्स हो गए अलेवन तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस अलेवेन एक्स ओके अब बिना एक्स की वैल्यू देखते हैं तो यहाँ पर फाइव दिया हुआ है प्लस का और यहाँ पर ट्वेल्व दिया हुआ है प्लस का ओके तो इनको ऐड करना होगा दोनों जगह प्लस का साइन है दोनों को ऐड करेंगे फाइव और ट्वेल्व इन दोनों को ऐड करने में कितना आएगा सेवनटीन तो हमने यहां पर नोट कर दिया प्लस सेवनटीन इन दोनों को ऐड करने के बाद तो ये तो समझ में आ गया होगा कि दोनों पॉलिनोमियल को हमने सॉल्व किया और ये पूरी वैल्यू में कन्वर्ट हो गया एक पूरे पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो गया अभी थर्ड पॉलिनोमियल को हम इसमें सॉल्व नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे क्योंकि पहले हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा और ब्रैकेट हटाना होगा ओके, सो माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी पॉलिनोमियल में साइन दे रखे हैं वो चेंज हो जाएंगे यहां पर क्या दिया हुआ है माइनस और ये कौन सी वैल्यू है पॉजिटिव है फाइव एक्स की पावर थ्री तो प्लस माइनस माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे तो माइनस का साइन यहां आ जाएगा फाइव एक्स की पावर थ्री ओके सिंपल है पॉजिटिव था माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद नेगेटिव हो गया ओके okay? अब दूसरे टर्म में भी माइनस से मल्टीप्लाई होगा माइनस का साइन यहां पर भी है और दूसरे वाले टर्म में भी माइनस का साइन है माइनस माइनस मतलब सेम साइन किस में कन्वर्ट होते हैं प्लस में तो यहां पर प्लस का साइन आएगा और जो भी टर्म दे रखा है थ्री एक्स स्क्वायर इसको वैसे ही लिख देंगे ओके अब थर्ड टर्म में भी हम माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर देखो माइनस का साइन है और थर्ड टर्म में प्लस एट लिखा हुआ है तो प्लस का साइन है प्लस माइनस माइनस में कन्वर्ट होंगे क्योंकि ऑपोजिट साइन है तो डिफरेंट साइन किस में कन्वर्ट होते हैं माइनस में एट वैसे ही लिख देंगे देखो सिंपल है अगर माइनस से मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं किसी भी पॉलिनोमियल में या माइनस कॉमन ले रहे हैं तो उन दोनों ही केस में क्या होगा साइन बदल जाएंगे तो इस पॉलिनोमियल जो ब्रैकेट के अंदर लिखी है जब ये ब्रैकेट से बाहर आएगी माइनस से माइनस के साइन से मल्टीप्लाई होने के बाद तो क्या होगा इसके साइन बदल जाएंगे यहाँ पर देखो फाइव एक्स की पावर थ्री दिया हुआ है पॉजिटिव है यहां बाहर आने पर क्या हो गया नेगेटिव ऐसे यहाँ पर माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर दिया है ब्रैकेट से बाहर आया तो किस में कन्वर्ट हो गया प्लस थ्री एक्स स्क्वायर में यहाँ पर प्लस का एट है ब्रैकेट से बाहर आया माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद तो माइनस का एट हो गया सिंपल अब देखो इतना सॉल्व करने के बाद क्या हम इसे और सॉल्व कर सकते हैं एक्स की पावर फोर पूरे में वन टाइम है एक्स की पावर थ्री देखो रिपीट हो गया तो अभी हमें इसे और सॉल्व करना पड़ेगा जब पावर रिपीट होगी तो हमें इसे सॉल्व करना होगा तब तक सॉल्व करना होगा जब तक पावर वन टाइम नहीं हो जाती हर एक पावर हर एक टर्म की वन टाइम नहीं हो जाती तब तक हमें इसे सॉल्व करना होगा तो इसे सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से देखो यहां पर क्या दिया हुआ है थ्री एक्स की पावर फोर कहीं और दी हुई है क्या नहीं दे रखी तो हम इसको वैसे ही नोट कर देंगे यहां पर लिखेंगे थ्री एक्स रेस टू दी पावर फोर क्यों क्योंकि ये तो रिपीट ही नहीं हुआ तो सॉल्व कैसे होगा अब इसके बाद एक्स की पावर थ्री को सिंप्लीफाई करेंगे यहां पर क्या दे रखा है माइनस एक्स की पावर थ्री और सिक्स लिखा हुआ है कितने हैं एक्स की पावर थ्री सिक्स है इसी तरीके से यहां पर माइनस एक्स की पावर थ्री है कितनी है फाइव दोनों जगह माइनस का साइन है तो यहां पर माइनस का साइन आ जाएगा और सेम साइन में क्या करते हैं ऐड करते हैं तो सिक्स यहाँ है फाइव यहाँ है तो टोटल कितने एक्स की पावर थ्री हो गए अलेवन तो यहां पर हम लिख देंगे अलेवन एक्स बेस्ड टू दावर थ्री ओके अब इसके बाद x की पावर टू यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है प्लस थ्री एक्स स्क्वायर कहीं और तो दे नहीं रखा तो ये सॉल्व और नहीं हो सकता तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे डायरेक्टली प्लस थ्री एक्स स्क्वायर ओके सो एक्स की पावर टू हो गया अब एक्स देखेंगे यहाँ पर देखो अलेवन एक्स दिया है और कहीं एक्स की वैल्यू दे रखी जिसमें एक्स हो नहीं दी तो यहां पर प्लस अलेवन एक्स वैसे रहेगा अब बिना एक्स वाली वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है प्लस सेवनटीन और यहाँ पर माइनस एट तो इन दोनों में बड़ी वैल्यू क्या है प्लस सेवनटीन तो पहले प्लस का साइन बनाएंगे साइन हमें देखना होगा कि पहले हमें कौन सा साइन बनाना है ओके तो जो बड़ी वैल्यू है या बड़ी नंबर है उसके आगे जो भी साइन दे रखा है वो हमें नोट करना होगा अब सेवनटीन प्लस का है एट माइनस का दोनों माइनस हो जाएंगे सेवनटीन में एट माइनस करेंगे कितना आएगा अपने पास नाइन आ जाएगा एंड दिस इज आर

इसमें भी हमें डिग्री फाइंड आउट करना है किसकी पहला पोलिनोम उन्होंने दे रखा है px प्लस जीएक्स की और दूसरे नंबर पर बोला है px माइनस जीएक्स की तो एट और नाइन की तरह है बिल्कुल ओके तो इसे सॉल्व कर लेते हैं ओके सो so, यहाँ पर px की जगह पर हमें जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ था जो भी वैल्यू दे रखी थी वो हमने यहाँ नोट कर दी क्या दिया हुआ है एक्स रेस टू दी पावर थ्री माइनस एक्स स्क्वा प्लस टू और जीएक्स की जगह पर जो भी वैल्यू दे रखी थी तो हमने लिख दिया जीएक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ था एक्स प्लस वन तो हमने नोट कर दिया और ये हमें दिया हुआ है सारी चीजें तो यहाँ लिख दिया गिवन अब फाइंड आउट क्या करना है डिग्री ऑफ पी एक्स प्लस जीएक्स एंड पीएक्स माइनस जीएक्स जो हमें फाइंड आउट करना है वहां पे हम क्या लिखेंगे टू फाइंड ये सारी चीजें आपको पता है अब देखो यहाँ पर डिग्री पूछी गई है पीएक्स प्लस जी एक्स यहाँ पर डिग्री तो दे नहीं रखी डायरेक्ट अगर डिग्री दी होती तो वैसे ही हाईएस्ट डिग्री जो होती उसको हम लिख देते कि ये डिग्री है पीएक्स प्लस जीएक्स की या पीएक्स माइनस जीएक्स की ओके तो ऐसा कुछ नहीं दिया यहां पर पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो पहले हमें इस पॉलिनोमियल को इसमें सॉल्व करना होगा कैसे सॉल्व करेंगे पीएक्स प्लस जीएक्स के फॉर्म में जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो फिर इसकी जो हाइएस्ट पावर होगी वो डिग्री बनेगी दूसरे नंबर पर भी उन्होंने यही पूछा है बस साइन बदल जाएगा माइनस का साइन आएगा उसे भी हम सॉल्व करेंगे और जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो हमारा आंसर हो जाएगी तो दो आंसर यहाँ पर हमारे पास आएंगे एक पीएक्स प्लस जी एक्स के लिए आएगा और दूसरा पीएक्स माइनस जी एक्स के लिए आएगा तो पहली कंडीशन हमें क्या दे रखी है पीएक्स प्लस जी एक्स तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसे सॉल्व करते हैं तो पी एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस टू तो जो भी पॉलिनोमियल यहां पर दिया हुआ है px की प्लेस पर वो हमने नोट कर दिया प्लस का साइन हमने वैसे ही नोट किया gx की प्लेस पर हम क्या लिखेंगे ये पॉलिनोमियल दिया है तो gx की जगह पर हमने क्या लिख दिया एक्स प्लस वन ओके अब इतना करने के बाद प्लस का साइन अगर सेंटर में दिया है कोई दो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं उनके बीच में अगर प्लस का साइन है तो आप ब्रैकेट ऑन करना चाहो दूसरे प्लस के बाद और दूसरे पॉलिनोम को आप ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो अदरवाइज नहीं लिखना चाहते मत लिखो प्लस के साइन में आपके पास लिबर्टी है छूट है ओके तो अगर प्लस का साइन कहीं लगा है तो आप उसे ब्रैकेट में इसके आगे वाले पॉलिनोमियल को लिखो या नहीं लिखो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे का वैसे ही रहेगा ओके लेकिन अगर यहाँ पे माइनस का साइन होगा तो इसके जस्ट बाद जो भी पॉलिनोमियल दिया होगा आपको ब्रैकेट ऑन करना ही होगा अगर आप ब्रैकेट नहीं ऑन करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा तो प्लस में कोई दिक्कत नहीं है आप ब्रैकेट मत ऑन करो ओके अब क्या करेंगे सेम वैसे ये कॉन्सेप्ट अगर एक बार पता चल जाए कि क्या करना होता है तो फिर कोई भी क्वेश्चन दिया हो वो हमारे लिए सब इजी होता है तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है पावर में इसे अरेंज करना होगा तो x की जो हाईएस्ट पावर है यहाँ पर थ्री है कहीं और रिपीट नहीं हुई तो इसको वैसे ही नोट कर देंगे x रेज टू दी पावर थ्री इसके बाद कौन सी पावर है एक्स की पावर टू कहीं और रिपीट नहीं हुई तो क्या दिया हुआ है माइनस एक्स स्क्वेर तो इसको भी हम वैसे ही नोट कर देंगे फिर इसके बाद कौन सी पावर है एक्स की वन टाइम दिया हुआ है कहीं और रिपीट भी नहीं हुआ प्लस का साइन दिए तो प्लस का साइन नोट करेंगे और रिपीट नहीं हुआ है तो इसको वैसे ही लिख दिया अब बिना एक्स वाली जो भी वैल्यू दे रखी है तो यहाँ पर प्लस टू दिया है यहाँ पर प्लस वन दिया हुआ है रिपीट हुआ है तो इसे हम सॉल्व कर देंगे टू में वन ऐड करेंगे तो कितना आएगा अपने पास प्लस का साइन दोनों जगह तो प्लस का साइन आ गया टू में वन ऐड किया तो क्या आएगा थ्री तो ये थ्री में कन्वर्ट हो गया ओके okay? तो ये अब देखो इसमें कोई भी पावर रिपीट नहीं हो रही एक्स की पावर थ्री है फिर टू है फिर वन है और फिर इसमें तो है ही नहीं ठीक तो ये क्या है अब पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो गया वन सिंगल तो अब ये एक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो गया ओके okay? अभी तक दो पॉलिनोमियल थे अब तो ये एक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो गया तो तो कोई भी पावर रिपीट नहीं होगी इसका मतलब ये सिंप्लीफाई हो गया अब क्या बताना है हमें डिग्री ऑफ पी एक्स प्लस जी एक्स तो पहले हम पी एक्स प्लस जी एक्स कर देंगे अब इसके बाद जो भी डिग्री पूछी गई है वो डिग्री यहाँ पर लिख देंगे तो यहाँ पर डिग्री क्या आ जाएगी देखो हाइएस्ट पावर क्या है एक्स की हाइएस्ट पावर थ्री तो ये हमारे लिए पहला आंसर हो गया ओके यहाँ पर आप लिखना चाहो आंसर लिख सकते हो अब दूसरी कंडीशन भी इन्होंने बोली है तो वो भी नोट कर लेते हैं क्या बोली है अब ऐसे ही हमें क्या सॉल्व करना होगा पीएक्स माइनस जीएक्स ओके ये अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं है तो यहाँ पर अब दूसरी कंडीशन भी उन्होंने सॉल्व करने को दी तो यहाँ पर दूसरी कंडीशन भी सॉल्व करेंगे अगर नहीं दी होती तो यहाँ पर यह हमारा फाइनल आंसर हो जाता लेकिन एक और कंडीशन दे रखी है एंड लिख कर तो इसको भी हमें सॉल्व करना होगा पीएक्स तो की जगह पर पीएक्स की जो भी वैल्यू दे रखी है वो नोट करेंगे माइनस की जगह माइनस का साइन आएगा और जीएक्स की जगह जीएक्स की वैल्यू आएगी अगर माइनस का साइन दिया है तो माइनस के बाद जो पॉलिनोमियल है मतलब जीएक्स की जो वैल्यू है उसे हमें ब्रैकेट में लिखना होगा पीएक्स की जगह पर क्या दिया हुआ है एक्स रेस टू दी पावर थ्री माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू तो ये हमने वैसे ही नोट किया माइनस की जगह माइनस का साइन आया और जी एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस वन और माइनस का साइन दिया तो ब्रैकेट ऑन करना मत भूलिएगा ओके तो ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना होगा जो भी माइनस के बाद पॉलिनोमियल दिया हुआ है ओके अब क्या करेंगे इसको वैसे ही नोट करेंगे क्योंकि यहां पर कोई भी टर्म रिपीट नहीं हो रहा है सेम पावर का तो देखो एक्स की पावर यहाँ थ्री है यहाँ पर एक्स की पावर टू है और यहाँ पर है ही नहीं तो यहां पर सेम पावर का कोई टर्म रिपीट नहीं हुआ तो इसको वैसे ही लिख देंगे क्योंकि अब और सिंप्लीफाई थोड़ी हो पाएगा यहां पर लिखेंगे एक्स रेस टू दी पावर थ्री माइनस एक्स स्क्वेर प्लस टू ओके अब इस माइनस का मल्टीप्लाई हमें ये ब्रैकेट के अंदर करना होगा ओके तो जब हम ब्रैकेट के अंदर किसी भी वैल्यू में माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका साइन चेंज हो जाएगा तो हर एक टर्म का साइन चेंज होगा जिससे माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है तो सबसे पहले देखो ये माइनस है और पहला वाला टर्म है एक्स इसका मतलब ये पॉजिटिव है इसके आगे कोई साइन नहीं दिया तो प्लस माइनस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस का साइन आ जाएगा और यहाँ पर एक्स दिया है एक्स नोट कर दिया ओके तो देखो ये पॉजिटिव था ब्रैकेट से बाहर आ गया ब्रैकेट हट जाएगा जब हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ब्रैकेट हट जाएगा ओके तो यहां पर ये पॉजिटिव था ब्रैकेट से बाहर आने के बाद किस में कन्वर्ट हो गया माइनस सेम ऐसे ही माइनस का साइन यहां दिया है अब वन प्लस का है जो सेकेंड टर्म है वो हमारा क्या है पॉजिटिव है तो प्लस माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में ऑपोजिट साइन हमेशा माइनस में कन्वर्ट होंगे और वन दिया हुआ है तो वन वैसे ही नोट कर दिया तो ये भी देखो ये प्लस में था वन ब्रैकेट के अंदर जब ब्रैकेट से बाहर आया माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद इसका साइन चेंज हो गया तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट से जब बाहर कोई भी टर्म आएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और अगर कोई नेगेटिव है टर्म तो वो ब्रैकेट से बाहर आने के बाद मल्टीप्लाई होगा जब माइनस से तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव प्लस में तो यहां पर अब इसको पावर के अकॉर्डिंग लिखेंगे यहां क्या आएगा देखो x की सबसे बड़ी पावर क्या है थ्री कहीं रिपीट हुई है नहीं तो और सॉल्व तो हो नहीं सकती यहां पर एक्स की पावर थ्री आ गया फिर x की पावर टू लिखेंगे कहीं और दिया नहीं है तो इसको वैसे ही लिख देंगे माइनस एक्स स्क्वायर इसके बाद x x भी कहीं रिपीट नहीं हुआ तो माइनस एक्स वैसे ही आ गया अब टू और वन ये दोनों सेम नेचर के हैं इनमें कोई एक्स नहीं लिखा तो इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं यहां प्लस का टू है यहाँ माइनस का वन तो टू में से वन माइनस करेंगे कितना आएगा वन और बड़ी वैल्यू के आगे कौन सा साइन है प्लस का तो पहले प्लस का साइन आ गया टू में से वन माइनस किया तो क्या लिखेंगे वन ओके अब हमें क्या बताना है डिग्री ओके तो यहां पर हम लिख सकते हैं डिग्री इज इक्वल टू कितनी आई डिग्री यहां पर भी थ्री आ गई ओके दोनों ही पॉलिनोमियल में डिग्री हमारे पास क्या आई है थ्री ओके सो यहाँ पर भी आप फाइनल आंसर लिख सकते हैं अदरवाइज इसे थोड़ा और इलेबरेट कर दीजिए यहाँ पर है डिग्री ऑफ पी एक्स तो यहाँ देयर फॉर का साइन आ जाएगा देयर फॉर डिग्री डिग्री ऑफ पी एक्स प्लस जी एक्स ओके डिग्री ऑफ पी एक्स प्लस जी एक्स पूछा गया है पहले नंबर पे कितनी निकली थ्री तो यहां पर हम नोट कर देंगे थ्री आई अपने पास ओके okay. थ्री नोट कर दिया अब इसी तरीके से डिग्री ऑफ of... किसकी पूछी गई है सेकेंड नंबर में पीएक्स माइनस जीएक्स की तो पीएक्स माइनस जी एक्स नोट कर देंगे इसकी कितनी आई इसकी भी थ्री आई है यहाँ पर थ्री नोट कर दिया एंड दिस इज आर फाइनल आंसर ओके आई होप समझ में आ गया होगा कुछ भी तो नहीं करना जो बोला गया है सेम वैसे ही सॉल्व करते चले जाना है कंडीशन को समझना है कि यहां पे क्या करना है और फिर उसी के अकॉर्डिंग उसे सॉल्व करना है आंसर आ जाएगा ओके सो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री में क्या दिया हुआ है फाइंड द सम ऑफ द पेयर ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोम अब यहाँ पर दो पॉलिनोम दिए हुए हैं ओके सो यहाँ पर इन्हें क्या करना है हमें सम मीन्स होता है एड करना इन दोनों पॉलिनोम को हमें ऐड करना है जब दो कोई चीज दे रखी होती है उसे बोलते हैं पेयर ओके तो ये तो आपको पता ही है तो यहाँ पर पेयर दिया हुआ है मतलब दो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं इन्हें हमें ऐड करना है सम मीन्स होता है ऐड करना ओके सो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री में हमारे पास फाइव पॉइंट्स दिए हुए हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है अप्रोक्सीमेटली सब सेम है और सब में एक ही मेथड फॉलो होना है ओके सो so, यहाँ पर पहला पॉलिनोमियल हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पर हम नोट कर देंगे जो हमें दिया हुआ है तो पहले नंबर पर क्या दिया हुआ है थ्री एक्स स्क्वेर प्लस फाइव एक्स माइनस टू ओके अब सम बोल रहे हैं इन दोनों को ऐड करना है ओके okay. जब ऐड करना होगा तो हमें क्या करना होता है प्लस का साइन लगाना होता है लेकिन अगर यहाँ पर माइनस का साइन दिया हुआ है दूसरे पॉलिनोमियल में अगर हमारे पास पहले ही नंबर पर पहले टर्म में माइनस का साइन दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे माइनस डायरेक्टली लिख देंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा ओके तो आप इतना समझ लो पहले पॉलिनोमियल को आपको वैसे ही लिखना है और दूसरे पॉलिनोमियल में अगर माइनस का साइन दिया हुआ है सबसे पहले तो यहाँ पर नोट कर देंगे अगर यहाँ पर कोई भी साइन नहीं दिया होता जैसे यहाँ लिखा होता है थ्री एक्स स्क्वायेर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स तब हम प्लस का साइन बनाते लेकिन अभी क्या लिखा है माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स तो यहाँ पर माइनस का साइन दिया है ना तो इसको हम यहाँ पर नोट कर देंगे यहां पर माइनस आ जाएगा क्यों आ रहा है क्योंकि अगर हम प्लस का साइन बनाएंगे यहाँ पर क्योंकि ऐड करने को बोला गया है सम करने के लिए तो सम मीन्स होता है ऐड करना ऐड करने को यहाँ पर बोला गया है तो अगर हम इसे ऐड करेंगे तो प्लस माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है ओके सो यहाँ पर डबल साइन थोड़ी लिखेंगे डायरेक्टली आप इतना दिमाग में रखना कि अगर कोई साइन दिया है ठीक है पॉलिनोमियल के स्टार्टिंग में अगर कोई साइन दिया है तो वो नोट कर देंगे कौन सा साइन दिया होगा माइनस का ही दिया होगा और अगर साइन नहीं दिया तो प्लस का साइन लगाएंगे अगर सम बोला गया है, तो यहां पर माइनस हमने नोट किया और थ्री एक्स स्क्वायर वैसे ही नोट कर देंगे माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स तो इतना ही यहाँ पर समझना है बाकी तो सब कुछ सेम वैसे ही है जैसे अभी तक सॉल्व करते आ रहे हैं अब क्या करेंगे पावर के अकॉर्डिंग हमें पॉलिनोम को अरेंज करना होता है ना तो यहां पर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसे अरेंज करेंगे x की सबसे बड़ी पावर यहाँ पे क्या है टू है तो इसे देखेंगे यहाँ पर देखो थ्री एक्स स्क्वायर दिया हुआ है ये पॉजिटिव है और यहां पर भी थ्री एक्स स्क्वायर दिया हुआ है ये नेगेटिव है तो जब एक बार कोई वैल्यू पॉजिटिव दे रखी हो इसके आगे कोई साइन नहीं मतलब प्लस की है तो एक बार प्लस में दे रखी है और एक बार माइनस में कोई वैल्यू दे रखी है तो क्या हो जाती है वो कैंसिल हो जाएगी थ्री में थ्री माइनस करेंगे थ्री एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस के हैं थ्री एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस के हैं ओके okay? तो जब ये दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा थ्री में थ्री माइनस हो जाएगा यहाँ पर जीरो हो जाएगा एक्स स्क्वायर क्या है एक्स स्क्वायर मतलब एक्स की पावर टू यहाँ पर जीरो हो गई तो सिंपल है अगर कोई भी वैल्यू एक बार प्लस में दे रखी है और सेम वही वैल्यू माइनस में दे रखी है तो वो कैंसिल हो जाएगी मतलब जीरो में कन्वर्ट हो जाएगी तो इसको हम स्किप करेंगे इग्नोर करेंगे इसके बाद कौन सी पावर दे रखी है फाइव एक्स यहां पर प्लस का दिया हुआ है यहाँ पर माइनस का दिया हुआ है ये भी हो गया कैंसिल तो इसकी वैल्यू भी जीरो हो गई जीरो लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अब इसके बाद क्या है माइनस टू दिया हुआ है यहां पर सिक्स दिया हुआ है प्लस का तो जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा सिक्स में टू माइनस करेंगे अपने पास कितना आएगा फोर तो यहाँ पर हम क्या नोट कर देंगे फोर तो यहाँ पर प्लस का साइन आपको नहीं बनाना है अगर माइनस होता तो यहाँ लिख देते इज हजार फाइनल आंसर ओके ट्वेंटी थ्री का सेकंड पॉइंट क्या है यहां पर भी दो पॉलिनोमियल हर जगह दो पॉलिनोमियल देंगे क्योंकि उन्होंने खुद लिख के दिया है पेयर ठीक तो यहां पर भी पॉलिनोमियल हमारे पास दो दिए हुए हैं अब इनको हमें क्या करना है ऐड करना है क्योंकि सम फाइंड आउट करने को बोला गया ओके तो पहले जो दिया हुआ है पहला वाला पॉलिनोमियल उसको वैसे ही नोट करेंगे यहां पर हम नोट करेंगे थ्री एक्स स्क्वेर माइनस सेवन एक्स प्लस फाइव ओके क्योंकि इसे और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता देखो सारी पावर अलग है एक्स की पावर टू है फिर एक्स है फिर फाइव है इसमें तो एक्स है ही नहीं ना कॉन्स्टेंट है तो यहाँ पर जो पहला पॉलिनोमियल दिया होगा उसे हम वैसे ही नोट करेंगे और यहाँ सच देट का साइन है इसके बाद दूसरा पॉलिनोमियल दिया है तो यहाँ पे अब हम कौन सा साइन लगाएं तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो बोला जा रहा है वाला साइन आएगा अगर कोई भी साइन नहीं दिया अगर यहाँ माइनस दिया होता तो डायरेक्टली माइनस आता क्यों क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं माइनस में कन्वर्ट होते हैं ओके okay? लेकिन यहाँ पर कोई साइन नहीं दिया है सिक्स के आगे नहीं दिया ना तो यहाँ पर अब हम कौन सा साइन नोट करेंगे एड का क्योंकि यहाँ पर बोला ही गया है सम फाइंड आउट करना है तो प्लस का साइन आएगा अगर माइनस होता तो माइनस नोट कर देते अगर कोई साइन नहीं है इसका मतलब यहाँ प्लस का साइन लिखना होगा क्योंकि सम फाइंड आउट कर रहे हैं अब इसके बाद दूसरा पॉलिनोमियल हम वैसे ही नोट कर देंगे सिक्स एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स माइनस सेवन ओके ओके सो इतना समझ में आ गया होगा सम करना है सम मींस क्या है ऐड करना है सिंपल ओके okay? तो ऐड करने में हमें ब्रैकेट ऑन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं अगर सब्ट्रैक्ट बोला होता तो क्या करते सब्ट्रैक्ट के साइन के बाद ब्रैकेट ऑन कर देते ओके okay? तो यहाँ पर खुद ही उन्होंने लिख के दिया है फाइंड द सम मतलब हमें ऐड करना है अब देखो इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है पावर के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना होगा तो डिसेंडिंग ऑर्डर में से अरेंज करते चले आ रहे हैं वैसे ही अरेज करना होगा तो यहाँ पर एक्स की पावर सबसे बड़ी क्या है थ्री और कहीं रिपीट हुआ नहीं है तो जैसे दिया है वैसे ही नोट करेंगे यहाँ पर लिख देंगे सिक्स एक्स रेस टू पावर थ्री अब देखो स्टार्टिंग में कोई भी टर्म आ रहा है तो उसके आगे अगर प्लस का साइन दिया है तो प्लस का साइन नोट नहीं किया जाता लेकिन अगर माइनस होता तो हम माइनस नोट कर देते ओके अब देखो ये एक्स की पावर थ्री तो हो गया अब क्या देखेंगे एक्स की पावर टू तो यहां पर थ्री एक्स स्क्वायर दिया है कहीं और दिया हुआ है नहीं दिया तो इसको भी हम वैसे ही नोट करेंगे इसके आगे कोई साइन नहीं है अब यहां तो हमें साइन लगाना होगा तो कौन सा साइन आएगा प्लस का इसका मतलब ये पॉजिटिव है एक्स की पावर टू हो गई एक्स की पावर वन देखेंगे माइनस के सेवन एक्स यहां है और प्लस के फाइव एक्स यहां है ठीक है तो इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन है सेवन सेवन के आगे कौन सा साइन है माइनस का तो माइनस का साइन नोट करेंगे यहां कितने एक्स है फाइव एक्स है और यहाँ पर सेवन एक्स है ओके okay. सो so इन दोनों को हमें क्या करना होगा माइनस क्योंकि एक नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है नेगेटिव पॉजिटिव किस में कन्वर्ट होते हैं माइनस में ओके okay. तो यहां पर माइनस करना होगा इन दोनों को माइनस करने में कितना आएगा देखो सेवन एक्स है उनमें से हमने फाइव एक्स माइनस कर दिए तो कितने एक्स बचे 2x ओके okay. अब बिना x वाली वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पर डिजिट दिया हुआ है +5 और यहाँ पर माइनस का 7 तो इन दोनों में बड़ा कौन है 7 कौन सा साइन आएगा माइनस का क्योंकि इसके आगे माइनस का साइन लगा हुआ है अब एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो इन दोनों को माइनस करेंगे 7 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा अपने पास 2 तो यहां पर 2 आ गया ओके एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर ओके थर्ड पॉइंट तो यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे तो देखो इसे सॉल्व करते हैं पहली वाली पॉलीनोमियल को वैसे ही नोट करेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस सेवन ये हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल है ओके okay. अब इसके बाद देखो कोई साइन नहीं दिया ओके okay. तो यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है पॉइंट दस सम तो ऐड करना होगा प्लस का साइन आ जाएगा अगर माइनस दिया होता फर्स्ट टर्म में तो माइनस नोट कर देते हैं जो भी पॉलिनोमियल के वैल्यूज दे रखे उनको हम नोट कर देंगे हर एक टर्म को x रेस टू दावर थ्री एक्स स्क्स एक्स और प्लस फोर ये हमारा वैसे ही रहेगा साइन कौन सा आना है यह आपको बस पता होना चाहिए अब इसके बाद क्या करेंगे इसको अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर के अकॉर्डिंग तो सबसे बड़ी x की पावर यहाँ पर क्या है x रेस टू दी पावर थ्री और कहीं तो रिपीट नहीं हुआ तो हम यहाँ पर इसको नोट कर देंगे प्लस का साइन दिया हुआ है तो स्टार्टिंग में हमें प्लस का साइन नहीं लिखना होता है माइनस होता है तो नोट कर देते हैं अब इसके बाद एक्स की पावर टू एक्स की पावर थ्री हो गया अब एक्स की पावर टू देखेंगे तो देखो एक्स की पावर टू यहाँ पर भी है इसके बाद यहाँ पर भी है तो टू टाइम्स रिपीट हुआ है दोनों जगह पॉजिटिव है तो यहाँ पर पहले प्लस का साइन बना देंगे क्योंकि ये भी पॉजिटिव है इसके आगे कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है एक्स की पावर टू यहाँ है एक्स की पावर टू यहाँ है तो टोटल कितना है एक्स की पावर टू है इस पूरी लाइन में टू एक्स की पावर टू है ओके तो टू एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ पर एक है यहाँ पर एक है दोनों ऐड हो गए तो टोटल कितने हो गए वन प्लस वन मतलब टू एक्स स्क्वायर एक्स की सिंगल पावर में देखो यहाँ पर प्लस एक्स है और यहाँ पर प्लस थ्री एक्स है तो दोनों ही पॉजिटिव हैं तो प्लस का साइन आ जाएगा साइन पर फोकस पहले हमें करना होगा कि कौन सा साइन आ रहा है अब देखो यहाँ तीन एक्स है मतलब थ्री एक्स है और यहाँ पर वन एक्स है एक ही बार एक्स है तो टोटल कितने एक्स दिए हुए हैं यहाँ पर यहाँ थ्री है यहाँ वन है टोटल कितने हो गए यहाँ पर फोर एक्स है इस पूरी लाइन में तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया अब बिना एक्स वाली वैल्यू देखेंगे तो यहाँ माइनस सेवन है यहाँ प्लस फोर है तो बड़ा कौन है माइनस सेवन तो माइनस का साइन आ गया अब देखो एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो दोनों को सॉल्व करने के बाद ये क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट होता है मतलब दोनों को माइनस करेंगे सेवन में फोर माइनस करेंगे कितना आएगा थ्री ओके एंड दिस इज आर फाइनल आंसर ट्वेंटी थ्री का जो फोर्थ पॉइंट है ये भी वैसे ही है सब सेम ही है फिफ्थ तक वैसे ही रहेंगे ओके okay. अब देखो पहले वाले पॉलिनोमियल को हम वैसे ही नोट करेंगे एक्स रेस टू दी पार थ्री माइनस फाइव एक्स स्क्वेर प्लस एक्स प्लस टू सेकेंड पॉलिनोमियल में कोई साइन नहीं है स्टार्टिंग में तो कौन सा साइन यहां पर आएगा प्लस का क्योंकि ऐड करने को बोला गया है ट्वेंटी थ्री में ओके okay. तो सभी को ऐड करना होगा जितने पॉइंट्स दे रखे हैं यहां पर क्या है एक्स की पावर थ्री दे रखे इसको वैसे ही नोट करेंगे माइनस थ्री एक्स स्क्वायर हो गया प्लस टू एक्स आ गया और प्लस वन बस यहाँ पे साइन नहीं था तो प्लस का साइन आ गया अगर माइनस का साइन दिया हो तो तो माइनस नोट करते क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होता है आप क्या करेंगे इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज करेंगे एक्स की पावर के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्स की पावर थ्री दिया हुआ है और कहीं पर भी दिया हुआ है यहां पर भी दिया है दोनों जगह पॉजिटिव है ठीक तो ऐड हो जाएगा यहां पर एक बार एक्स की पावर थ्री है यहां पर भी एक बार एक्स की पावर थ्री है दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा टू एक्स की पावर थ्री प्लस का साइन आगे नोट नहीं किया जाता सेम नेचर के होते हैं तो क्या होंगे ऐड हो जाएंगे उसके बाद एक्स की पावर टू देखेंगे क्योंकि एक्स की पावर थ्री तो हो गया अब इसके बाद क्या आएगा x की पावर टू x तो की पावर टू यहां पर दे रखी है और कहीं पे भी दे रखी है ये दिया हुआ है माइनस थ्री एक्स स्क्वायर ओके सो तो यहां पर इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे देखो दोनों के आगे माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस नोट कर देंगे अगर सेम साइन होते हैं सेम नेचर के होते हैं तो क्या होता है ऐड हो जाते हैं देखो फाइव एक्स स्क्वायर है यहाँ पर यहाँ थ्री एक्स स्क्वायर है तो, तो टोटल कितने एक्स स्क्वायर हो गए माइनस वाले एट एक्स स्क्वायर हो गए इस पूरी लाइन में अब इसके बाद x देखेंगे क्योंकि x पावर वन है तो x की पावर टू हो गया अब यहाँ पर x पे फोकस करेंगे यहां प्लस x है और यहाँ पर प्लस के टू एक्स है दोनों के आगे प्लस का साइन है यहाँ पर प्लस का साइन आ गया सेम नेचर के ऐड हो जाएंगे यहाँ पर टू एक्स है और यहाँ पर एक एक्स है एक ही बार x है तो कितना हो गया टू प्लस वन थ्री एक्स तो इस पूरी लाइन में कितने x है टू प्लस वन यानी कि थ्री एक्स ओके अब इसके बाद बिना एक्स वाली वैल्यू को देखेंगे तो यहाँ पर डिजिट क्या है प्लस टू है यहाँ पर प्लस वन है तो प्लस का साइन आएगा टू में वन ऐड करेंगे तो कितना आ गया थ्री अब देखो कोई भी पावर रिपीट नहीं हो रही दिस इज आवर फाइनल आंसर ओके ट्वेंटी थ्री का फिफ्थ पॉइंट है ये और ये लास्ट पॉइंट है ट्वेंटी थ्री का इसे सॉल्व कर लेते हैं सेम वैसे ये यहाँ पर जो फर्स्ट पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसको वैसे लिखेंगे एक्स रेस टू दी पार सिक्स माइनस थ्री एक्स रेस टू दी पार फोर अब इसके आगे कोई साइन नहीं है ऐड करने को बोला गया तो प्लस का साइन आएगा अब जो सेकंड पॉलिमियल दिया हुआ है इसको भी वैसे ही लिखेंगे ओके okay? अब क्या करेंगे इसे पावर के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो सबसे बड़ी पावर यहां पर एक्स की कौन सी है देखो एक्स की पावर सिक्स दे रखी है इसके बाद कहीं सेवन तो दिया नहीं है तो इसको वैसे ही नोट करेंगे क्योंकि रिपीट भी नहीं हुआ x की पावर सिक्स कहीं और दे रखी क्या नहीं दे रखी इसके बाद इससे छोटी पावर क्या है x की पावर फाइव दिया हुआ है नहीं दिया x की पावर फोर है तो यहाँ पर देखो x की पावर फोर दे रखी है और यहाँ पर भी दे रखी है रिपीट हुई है तो इसे सॉल्व करेंगे यहाँ क्या दिया हुआ है माइनस थ्री एक्स रेस टू दी पावर फोर और यहाँ दिया हुआ है प्लस एक्स रेस टू पावर फोर तो थ्री बड़ा है इसके आगे कौन सा साइन है माइनस का साइन माइनस का साइन नोट कर देंगे अब ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है नेगेटिव पॉजिटिव कन्वर्ट होगा नेगेटिव है मतलब दोनों को माइनस करेंगे थ्री में से वन माइनस करेंगे कितना आएगा यहाँ पर थ्री एक्स की पावर फोर है यहाँ पर एक ही बार एक्स की पावर फोर इन दोनों को माइनस करना होगा थ्री में से वन माइनस करेंगे कितना आएगा टू तो यहाँ पर लिख देंगे टू एक्स टू दी पावर फोर ओके अब इसके बाद एक्स की पावर थ्री कहीं रिपीट हुआ है नहीं हुआ है तो जैसा दिया हुआ है वैसे ही नोट कर देंगे फिर एक्स स्क्वायर भी वैसे ही नोट करेंगे क्योंकि ये भी रिपीट नहीं हुआ टू एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया माइनस सिक्स कोई और डिजिट दिया हुआ है नहीं दिया तो ये भी वैसे ही रहेगा एंड दिस इज फाइनल आंसर ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर में हमसे क्या बोला गया है सब्रैक्ट द सेकेंड पॉलिनोमियल फ्रॉम द फर्स्ट इन द फॉलोइंग और यहाँ पर फाइव पॉइंट्स दिए हुए हैं एक अच्छे से समझ लेंगे तो सारे ही समझ में आ जाएंगे जैसे ट्वेंटी थ्री में बोला गया था सम के लिए मतलब ऐड करने के लिए बोला गया था ऐसे ही इसमें माइनस करना है सब ट्रैक्ट करने के लिए बोला है ओके तो यहां पर क्या बोला गया फर्स्ट वाले से हमें सेकेंड वाले को माइनस करना है इट्स वेरी सिंपल यहाँ पर दैट की जगह कौन सा साइन आएगा माइनस का ओके सो so ये भी ट्वेंटी थ्री जैसा ही है यहां पे भी पेयर दिया हुआ है पॉलिनोमियल का यहां पर भी दो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं उसमें सम बोला गया था ऐड करने को बोला था राइट right. और इसमें क्या बोल रहे हैं सब ड्रैट. तो माइनस करना होगा तो सच दैट की जगह यहाँ पर कौन सा साइन आएगा माइनस का सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले यहां पर जो पहला पॉलिनोमियल दिया हुआ है चाहे वो प्लस में बोला जाए या माइनस में पहले वाले को वैसे ही नोट कर देंगे तो फर्स्ट पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन इसको हमने वैसे ही नोट कर दिया ओके अब इसके बाद हमें कौन सा साइन बनाना है माइनस का ओके okay? माइनस का साइन नोट करेंगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने को बोला है माइनस का साइन जैसे ही आप नोट करोगे तो इसके बाद आपको ब्रैकेट ओपन करना होगा ओके okay? हमेशा ध्यान रखिएगा प्लस के साइन में ऐसा नहीं होता लेकिन माइनस का साइन जैसे ही आएगा दो पॉलिनोमियल के बीच में तो वहां पर ब्रैकेट ऑन होगा माइनस के बाद वाले पॉलिनोमियल दूसरे वाले पॉलिनोमियल के पहले अगर आप माइनस का साइन लगा रहे हो तो उस पॉलिनोमियल को सेकेंड वाले पॉलिनोमियल को ब्रैकेट के अंदर लिखना मैंडेटरी है जरूरी है अब क्या करेंगे ये पूरा सेकेंड पॉलिनोमियल नोट कर देंगे यहां आ जाएगा वन माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का साइन जब भी आप यहाँ पर यूज करेंगे सब्ट्रैक्ट के लिए बोला गया हो या डायरेक्टली दे रखा हो किसी भी क्वेश्चन में तो वहां पर ब्रैकेट ऑन होता ही ठीक कब ऑन होगा माइनस के बाद माइनस के बाद हमें ब्रैकेट ऑन करना होगा और जो भी पॉलिनोम दिया हुआ है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया अब क्या करेंगे इस वाले पोलिनोम को वैसे ही लिखेंगे ओके तो फर्स्ट पॉलिनोमियल को फिर से हम वैसे ही लिख देंगे जैसे अभी तक करते आ रहे हैं सॉल्व वैसे ही करना है अब माइनस का मल्टीप्लाई करना होगा ताकि ये ब्रैकेट हट जाए जो हमने ब्रैकेट ऑन यहाँ किया हुआ है वो ब्रैकेट हमें हटाना भी तो है तो ये ब्रैकेट कैसे हटेगा जब हम माइनस का मल्टीप्लाई हर एक टर्म में कर देंगे तो हर एक टर्म में मल्टीप्लाई जब होगा माइनस का तो साइन बदल जाएगा ये आपको पता ही है तो यहाँ पर माइनस है ये और वन के आगे कोई साइन नहीं है इसका मतलब ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा नेगेटिव होते हैं तो यहाँ पर कौन सा साइन आएगा माइनस का और ये वन है तो वन लिख दिया अब माइनस यहाँ पर है और दूसरा वाला टर्म क्या है माइनस एक्स तो माइनस माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में सेम साइन सेम साइन क्या होते हैं पॉजिटिव सेम साइन क्या होते हैं पॉजिटिव तो प्लस में कन्वर्ट हो गया एक्स दिया है एक्स वैसे ही नोट कर देंगे ओके okay. अब थर्ड टर्म क्या है माइनस दिया हुआ है यहाँ पर और ये क्या है माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी माइनस दोनों में दिया हुआ है तो माइनस माइनस किस में कन्वर्ट हो गया प्लस में और एक्स स्क्वायर तो देखो आप ऐसे भी देख सकते हो कि जब ब्रैकेट से बाहर कोई भी टर्म आएंगे तो उनका क्या होगा साइन बदल जाएगा वन था यहाँ पॉजिटिव था ना इसके आगे कोई साइन नहीं था तो देखो माइनस का साइन आ गया माइनस का एक्स दिया हुआ था ब्रैकेट से बाहर आया प्लस का एक्स हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर दिया हुआ था ब्रैकेट से बाहर आया प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया ओके okay? तो इस तरीके से क्या होता है साइन बदल जाते हैं अब इतना करने के बाद सेम वैसे ही है पावर के अकॉर्डिंग हमें इसे सिंप्लीफाई करना होगा और अरेंज करना होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में तो एक्स की कौन सी पावर सबसे बड़ी है यहाँ पर एक्स की पावर थ्री ओके और कहीं तो दे नहीं रखी कोई और पावर तो एक्स की पावर थ्री दे रखा है और कहीं और रिपीट भी नहीं हुआ तो इसको वैसे ही नोट कर देंगे एक्स रेज टू दी पावर थ्री अब इसके बाद एक्स की पावर टू दिया हुआ है ये भी रिपीट नहीं हुआ तो जैसा दिया हुआ है वैसे ही नोट कर देंगे अब इसके बाद एक्स दिया हुआ है यहाँ पर भी दिया है प्लस एक्स और दूसरी जगह यहाँ पर भी दिया हुआ है एक्स प्लस का तो प्लस का साइन दोनों में है तो पहले प्लस नोट कर देते हैं कितने एक्स हैं एक यहां है, एक यहां है तो टोटल कितने एक्स हो गए टू एक्स अब वन यहां पर दिया हुआ है प्लस का और यहां पर माइनस का तो कोई भी वैल्यू अगर एक बार प्लस में दे रखी हो और माइनस में एक बार दे रखी तो क्या होता है कैंसिल हो जाती है वन में वन माइनस करेंगे तो जीरो आएगा जीरो लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती इसे अभी आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो अदरवाइज यहाँ पे आंसर लिख दोगे तो भी रॉन्ग नहीं है okay? ओके तो इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे देखो यहाँ पर x है यहां पर भी x है और यहां पर भी x है तीनों ही टर्म में क्या कॉमन है x तो x की जो छोटी पावर है वो हम कॉमन लेंगे तो वन टाइम x इन सब में दिया हुआ है तुमने यहाँ पर वन टाइम x नोट कर दिया ओके okay? जो सब में दिया होता है वही हमारे लिए कॉमन होता है अब इसके बाद ब्रैकेट ऑन करेंगे कॉमन लेने के बाद हमें ब्रैकेट ऑन करना होता है ब्रैकेट ऑन करने के बाद x का डिवाइड हमें हर एक टर्म में करना होगा तो जब डिवाइड करते हैं तो पावर माइनस हो जाती है या फिर आप इतना ध्यान रखिए कि x की पावर यहाँ थ्री थी एक यहाँ यूज हो गई तो कितनी बची x की पावर टू ओके थ्री में से वन माइनस किया तो कितना बचा टू प्लस का साइन दिया तो प्लस का साइन नोट कर दिया अब इसी तरीके से दूसरे वाले टर्म में x की पावर टू है तो एक यहाँ यूज हो गई कितनी बची जो बची वो यहाँ पर हमने लिख दिया तो वन टाइम बचा वन पावर लिखते नहीं है तो टू में से वन माइनस किया तो वन टाइम आ गया प्लस का साइन वैसे ही आएगा टू भी वैसे ही नोट करेंगे क्योंकि क्यों कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो यहाँ कॉमन है नहीं अब एक्स और एक्स वन टाइम से वन में वन माइनस किया तो जीरो हो गया ओके तो यहाँ पर एक्स और एक्स कैंसिल हो गया एंड दिस इज आर फाइनल आंसर ओके ओके ट्वेंटी फोर का सेकेंड पॉइंट भी वैसे ही है यहाँ पर जो फर्स्ट पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसको वैसे ही नोट करेंगे सिक्स एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस थ्री अब सब्ट्रैक्ट बोला गया तो माइनस का साइन आएगा माइनस का साइन आते ही इसके बाद जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे क्या दिया हुआ है फोर एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस वन इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया क्यों लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन दिया हुआ है ठीक तो कहीं पर भी अगर माइनस का साइन लगाने को बोल रहा है तो उसके बाद वाले पॉलिनोमियल में माइनस के बाद जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसे हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा क्यों क्योंकि इसके साइन चेंज होंगे जब मल्टीप्लाई हो जाएगा अब इसके बाद जो पहला वाला पॉलिनोमियल है फिर से वैसे ही लिख देंगे सिक्स एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस थ्री अब इसके बाद माइनस का मल्टीप्लाई हर एक टर्म में करना होगा माइनस का मल्टीप्लाई जब हम हर एक टर्म में कर देंगे तो क्या होगा साइन बदल जाएंगे देखो फोर एक्स क्यूब पॉजिटिव है यहां पर इसके अंदर देखो ब्रैकेट के अंदर फोकस करना देखो माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है हर एक टर्म का साइन चेंज हो जाता है अगर कोई भी वैल्यू माइनस की दे रखी है तो वो प्लस में कन्वर्ट होती है और प्लस में दे रखी है तो माइनस में कन्वर्ट होती है ब्रैकेट से बाहर आने के बाद इसका मल्टीप्लाई जब हम फोर एक्स क्यूब में करेंगे क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं है मतलब पॉजिटिव है तो प्लस माइनस किस में कन्वर्ट हो गए माइनस में तो माइनस का साइन है माइनस आ गया फोर एक्स क्यूब वैसे ही रहेगा माइनस माइनस देखो दूसरे टर्म में क्या लिखा हुआ है माइनस टू एक्स स्क्वायेयर और यहां पर माइनस दिया है माइनस माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में सेम साइन हमेशा पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव यानी कि प्लस का साइन आ गया टू एक्स स्क्वायेयर दिया तो वैसे ही रहेगा साइन बस बदल जाएंगे अब इसी तरीके से माइनस का मल्टीप्लाई हमें थर्ड टर्म में करना होगा तो माइनस प्लस किस में कन्वर्ट होगा माइनस में तो माइनस का साइन आ गया और सेवन एक्स आ गया इसी तरीके से माइनस माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट हो गया और वन आ गया यहाँ पर देखो सबके साइन चेंज हो गए है ना यहाँ पर क्या दिया हुआ था फोर एक्स क्यूब दिया हुआ है पॉजिटिव तो देखो ये ब्रैकेट से बाहर आने के बाद नेगेटिव हो गया इसी तरीके से माइनस टू एक्स स्क्वायर दिया है ब्रैकेट से बाहर आया तो किस में कन्वर्ट हो गया प्लस टू एक्स स्क्वायर में इसी तरीके से प्लस सेवन एक्स दिया तो माइनस सेवन एक्स में कन्वर्ट हो गया और माइनस वन दिया तो प्लस वन में कन्वर्ट हो गया कब जब तो हमने माइनस का मल्टीप्लाई किया और ये ब्रैकेट से बाहर आ गया तब अब क्या करना है ये आपको बहुत अच्छे से पता है इक्वल का साइन आ जाएगा और जो पावर हाईएस्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें इसे अरेंज करना होगा तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे देखो सबसे बड़ी पावर क्या है एक्स की पावर थ्री यहाँ दिया हुआ है और कहीं रिपीट हुई है यहां पर भी दे रखी है तो यहाँ देखो सिक्स एक्स की पावर थ्री है यहाँ पर माइनस फोर एक्स की पावर थ्री है तो सिक्स में से फोर माइनस करेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस में कन्वर्ट होगा तो सिक्स में से फोर माइनस हो गई एक्स की पावर थ्री तो कितना बचा टू एक्स की पावर थ्री बची तो वो नोट कर दी अब इसके बाद एक्स की पावर थ्री के बाद हमें क्या देखना होगा एक्स की पावर टू यहाँ पर क्या लिखा है फाइव एक्स स्क्वायेर और इसके बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ है टू एक्स स्क्वायेर रिपीट हो रहा है दोनों में प्लस का साइन है यहाँ पर प्लस का साइन नोट कर दिया अब फाइव और टू टोटल कितने हो गए सेवन एक्स x देखेंगे यहां पर फोर एक्स दिया हुआ है और यहाँ पर सेवन एक्स दिया हुआ है तो सेवन क्या है नेगेटिव है बड़ी वैल्यू है तो माइनस का साइन लिख देंगे अब इन दोनों को माइनस करना होगा क्योंकि एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो सेवन में से फोर माइनस करेंगे कितना आएगा अपने पास कितना बचा थ्री एक्स इसके बाद बिना एक्स वाली वैल्यू यहाँ पर देखो थ्री है माइनस का और यहाँ पर प्लस वन है थ्री में से वन माइनस करना होगा क्योंकि एक पॉजिटिव है ये वाली पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो यहां पर बड़ी वैल्यू क्या कौन सा साइन है माइनस का तो पहले माइनस नोट किया अब इन दोनों को माइनस करना होगा तो माइनस करेंगे थ्री में से वन माइनस करेंगे कितना आएगा टू एंड दिस इज आर फाइनल आंसर क्योंकि एक्स सब में नहीं दिया सिंपल अगर एक्स सब में दिया होता तो इसमें भी कॉमन ले लेते ओके थर्ड पॉइंट इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है यहां पर फर्स्ट पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है इसको वैसे ही नोट करेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अब सब्ट्रैक्ट करने को बोले तो माइनस का साइन अब इसके बाद वाले पॉलिनोमियल को ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा यहां पर आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन और ब्रैकेट क्लोज हो गया ओके okay. अब फर्स्ट पॉलिनोमियल को हम फिर से वैसे ही लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस का मल्टीप्लाई इसमें होगा माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा जैसे एक्स क्यूब यहाँ पर प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब इसी तरीके से एक्स की पावर टू नेगेटिव है तो ये किस में कन्वर्ट हो गया प्लस में तो प्लस एक्स स्क्वायर हो गया और यहाँ पर ये यह प्लस में है तो माइनस में कन्वर्ट हो गया ये माइनस में है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो गया डायरेक्ट बता दिया और कैसे होता है ये आपको पता ही है ये सब में मल्टीप्लाई होता है साइन बदल जाता है ओके इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है देखो सबसे बड़ी पावर क्या है ब्रैकेट से बाहर आने के बाद देखो ये दोनों क्या हो गए एक जैसे हो गए आप इनको सॉल्व कर सकते हैं एक्स की पावर सबसे बड़ी कौन सी है थ्री यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है सेम है देखो एक्स की पावर थ्री यहां पर वन टाइम दिया हुआ है वन टाइम यहां पर भी दिया हुआ है एक बार पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है तो एक बार पॉजिटिव कोई वैल्यू हो और सेम वही वैल्यू अगर नेगेटिव है तो क्या होता है कैंसिल हो जाते हैं ये दोनों गए कैंसिल जीरो हो गए अब इसके बाद एक्स की पावर टू देखेंगे यहाँ पर एक्स की पावर टू है और यहाँ पर भी एक्स की पावर टू है दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे कितने बार एक्स की पावर टू है इस पूरी लाइन में टू एक्स की पावर टू प्लस का साइन नोट नहीं किया जाता तो माइनस होता तो नोट कर देते अब एक्स देखेंगे यहाँ पर प्लस एक्स है और यहाँ पर माइनस एक्स है तो कोई भी वैल्यू अगर एक बार प्लस के फॉर्म में दे रखी हो दो और एक बार माइनस में दे रखी है और सेम है तो क्या होगा कैंसिल होगी तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गए जीरो में कन्वर्ट हो गए अब यहाँ पर बिना एक्स वाली वैल्यू देखो प्लस वन और यहाँ पर प्लस वन है तो टोटल यहाँ प्लस का साइन आएगा वन में वन ऐड करेंगे कितना होगा टू ओके सीस फाइनल आंसर अब इसको भी वैसे ही करना है ट्वेंटी फोर के जितने हैं सब सेम ही है यहाँ पर 4 x की पावर फोर रहेगा माइनस थ्री एक्स क्यूब रहेगा प्लस टू एक्स और प्लस सिक्स ये सब वैसे रहे ही रहेंगे अब यहाँ पर माइनस का साइन आएगा और दूसरे वाले पॉलिनोमियल को ब्रैकेट के अंदर नोट करेंगे x रेस टू दी पावर फोर माइनस थ्री एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स और प्लस टू इसको ब्रैकेट में हमने क्लोज कर दिया अब क्या करना होगा ब्रैकेट से इसे बाहर निकालना होगा इसको वैसे ही नोट करेंगे एक्स रेस टू दी पावर फोर माइनस थ्री एक्स क्यूब प्लस टू एक्स प्लस सिक्स ओके और माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद सबके साइन चेंज हो जाएंगे यहां पर ये पॉजिटिव है ये हो जाएगा नेगेटिव ये नेगेटिव है ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये भी नेगेटिव है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और पॉजिटिव है ये प्लस टू तो नेगेटिव हो गया इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है एक्स की बड़ी पावर देखनी है उसके अकॉर्डिंग इसे अरेंज करना है एक्स की पावर फोर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है एक बार पॉजिटिव है एक बार नेगेटिव है कैंसिल हो गई जीरो में कन्वर्ट हो गई अब एक्स की पावर थ्री देखेंगे माइनस थ्री एक्स की पावर थ्री है यहाँ पर और यहाँ पर प्लस के थ्री एक्स की पावर थ्री बिल्कुल सेम है एक बार माइनस में एक बार प्लस में कैंसिल हो गया ज़ीरो में कन्वर्ट हो गया अब एक्स की पावर टू तो दिया नहीं है एक्स की पावर वन मतलब वन टाइम एक्स है प्लस टू एक्स दिया है यहाँ पर प्लस सिक्स एक्स दिया है तो इन दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे सिक्स में टू ऐड करेंगे तो टोटल कितने एक्स है यहाँ पर एट एक्स तो एट एक्स नोट कर दिया अब प्लस का साइन नोट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है माइनस होता तो लिख देते प्लस सिक्स यहाँ पर है माइनस टू यहाँ पर है ओके तो सिक्स में टू माइनस करेंगे कितना आएगा अपने पास फोर तो ये प्लस का साइन आ जाएगा यहाँ पर क्योंकि बड़ी नंबर के आगे प्लस का साइन है यहाँ पर फोर आगे एंड दिस इज आर फाइनल आंसर ट्वेंटी okay. फोर का जो फिफ्थ पॉइंट है ये भी सेम वैसे ही है तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल को वैसे ही लिखेंगे क्या दिया हुआ है थ्री एक्स रेस टू दावर सेवन माइनस टू एक्स इसको हमने वैसे ही लिखा सच दैट की जगह कौन सा साइन आ जाएगा माइनस का क्योंकि सब बोला गया है okay, आपको बहुत अच्छे से पता है इसके बाद क्या करेंगे ब्रैकेट ऑन करेंगे और इसके अंदर जो सेकंड पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसको लिख देंगे एक्स रेस टू दावर सिक्स माइनस थ्री एक्स रेस टू दी पावर फोर प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स ओके अब इतना करने के बाद क्या करना होगा पहले वाले पॉलिनोमियल को हम वैसे लिखेंगे तो इसको हम वैसे ही नोट कर देंगे थ्री एक्स रेस टू पावर सेवन माइनस टू एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री और इसे ब्रैकेट से बाहर लिखना होगा तो ब्रैकेट से बाहर आने के बाद क्या होगा साइन बदल जाएंगे यहां पर एक्स की पावर सिक्स पॉजिटिव है तो प्लस माइनस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया ये नेगेटिव दिया हुआ है माइनस थ्री एक्स रेस टू दी पावर फोर ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव थ्री एक्स रेस टू दी पावर फोर प्लस का हो गया यहां पर प्लस के एक्स स्क्वायर है तो माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा फिर प्लस का एक्स है तो ये भी माइनस का हो जाएगा कैसे होगा ये आपको पता ही है अब इसके बाद क्या करेंगे इसमें जो ये देखो एक ये, ये सब एक जैसे हो गए अब इनको पावर के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देंगे यहाँ पर सबसे बड़ी पावर क्या है एक्स की सेवन और कहीं रिपीट नहीं हुई तो इसको हम वैसे ही नोट करेंगे इसके बाद कौन सी पावर है सिक्स ये भी कहीं रिपीट नहीं हुई तो इसको भी वैसे ही नोट कर देंगे इसके बाद कौन सी पावर है फोर तो ये भी कहीं रिपीट नहीं हुई इसको भी हम वैसे ही नोट कर देंगे अब अब इसके बाद देखेंगे इससे छोटी पावर क्या है एक्स की पावर थ्री तो कहीं दिया नहीं है टू दिया हुआ है यहाँ पर देखो माइनस टू एक्स रेस टू दी पावर दिया हुआ है और ये रिपीट हुआ है तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है माइनस एक्स ये दोनों जगह दिया हुआ है दोनों जगह माइनस का साइन लगा है तो माइनस का साइन नोट करेंगे कितने एक्स स्क्वायर है दो यहाँ एक यहाँ टोटल कितने हो गए थ्री एक्स स्क्वायर ओके अब क्या करेंगे इसके बाद एक्स देखेंगे एक्स यहाँ पर दिया हुआ है और कहीं रिपीट हुआ है नहीं लिखा तो इसको वैसे ही नोट कर दिया अब बिना एक्स वाले देखेंगे कोई वैल्यू है दे रखी लेकिन कहीं और नहीं दे रखी तो इसको भी वैसे ही नोट कर देंगे एंड दिस इज आंसर ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव में हमसे क्या बोला जा रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स अब यहां पर भी दो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं पेयर दिया हुआ है और बोल रहे हैं प्रोडक्ट फाइंड आउट करना प्रोडक्ट मीन्स होता है मल्टीप्लाई ओके okay? जैसे सम मीन्स होता है ऐड करना इस तरीके से प्रोडक्ट मीन क्या होता है मल्टीप्लाई करना तो मल्टीप्लाई करना होगा हमें यहाँ पर सिंपल और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस पूरी एक्सरसाइज का तो एक आप अच्छे समझोगे बाकी सारे आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएंगे अच्छे से ओके okay? अब यहाँ पर भी दो पॉलिनोमियल हमको दिए हुए हैं और हमें क्या करना है प्रोडक्ट करना है यानी कि मल्टीप्लाई करना है. तो अब हम यहाँ पर सजदेट की जगह पर मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाएंगे हमें क्या करना होगा ये दोनों पॉलिनोमियल को ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा कैसे इसको सॉल्व करना है ये देख लेते हैं फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या है एक्स स्क्वे माइनस फोर एक्स प्लस फोर ओके ये हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसे हम एक ब्रैकेट में क्लोज करेंगे और दूसरा पॉलिनोमियल क्या है एक्स माइनस टू इसको भी एक ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई का साइन ही लगाएंगे इन दोनों को अलग अलग ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे अब यहाँ पर हर एक टर्म का मल्टीप्लाई दूसरे टर्म में करना होगा कैसे करेंगे देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर तो इस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई हम सेकेंड वाले पॉलिनोम के फर्स्ट टर्म में करेंगे जितने भी टर्म्स दे रखे होंगे उन सब में करना होगा तो पहले यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर और इसका फर्स्ट टर्म क्या है एक्स तो इस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई हमें किस में करना है एक्स में तो मल्टीप्लाई में क्या होता है पावर एड हो जाती है ओके okay? तो यहाँ पर क्या है x की पावर टू है और यहाँ वन है तो टोटल x कितने हो गए थ्री तो एक्स की पावर यहाँ हो गई थ्री ओके अब इसके बाद एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई हमने एक्स में किया इसी तरीके से एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई हम माइनस टू में भी करेंगे ठीक है हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करना होगा जितने यहां पर दे रखे हो तो यहां पर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई हम माइनस टू में करेंगे तो कितना आएगा माइनस का साइन नोट करेंगे टू दिया हुआ है तो टू आएगा डिजिट हमेशा पहले लिखिएगा यहाँ पे कोई और डिजिट तो दिया नहीं है कि मल्टीप्लाई हो जाए तो टू दिया हुआ है तो टू को पहले नोट करेंगे फिर इसके बाद अल्फाबेट आएगा तो एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर भी आएगा जो भी दिया हुआ है वो सब आएगा यहाँ पर ओके अब देखो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई जिस तरीके से हमने एक्स माइनस टू में किया एक्स में किया तो हमारे पास एक्स की पावर थ्री आई फिर एक्स का मल्टीप्लाई हमने माइनस टू में किया तो हमारे पास क्या माइनस टू एक्सर ओके अब इसी तरीके से माइनस फोर एक्स का मल्टीप्लाई भी हम इन दोनों टर्म में करेंगे फिर फोर का मल्टीप्लाई भी इन दोनों टर्म में करेंगे इस तरीके से हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करना होता है तो सेकेंड टर्म हमारा क्या है फर्स्ट पॉलिनोमल का माइनस फोर एक्स ओके माइनस फोर एक्स का मल्टीप्लाई हमें किस में करना है पहले वाले टर्म में सेकेंड पॉलिनोमल के पहले वाले टर्म में करेंगे फिर दूसरे वाले में करेंगे जितने भी दे रखे होंगे उन सब में करना होगा तो सेकेंड वाले का मल्टीप्लाई करते हैं पहले फर्स्ट वाले में तो यहां पर क्या है माइनस फोर एक्स और यहां पर x है तो माइनस का साइन नोट करेंगे अब देखो फोर है यहां पर तो कुछ नहीं दिया तो फोर वैसे ही रहेगा x की पावर कितनी होगी यहाँ पर देखो x वन टाइम है यहाँ पर भी x वन टाइम है तो x की पावर कितनी हो गई टू तो यहां पर हमने x की पावर टू नोट कर दी ओके अब माइनस का फोर एक्स का मल्टीप्लाई हमने एक्स में कर दिया कितना आया माइनस फोर एक्स स्क्र ओके अब इसी तरीके से माइनस फोर एक्स का मल्टीप्लाई हमें किस में करना होगा माइनस टू में ओके माइनस टू में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा तो जब सेम साइन होते हैं एक जैसे तो वो किस में कन्वर्ट होते हैं प्लस में तो यहाँ प्लस का साइन आएगा माइनस माइनस किस में कन्वर्ट हो गए प्लस में मल्टीप्लाई में हमेशा प्लस में कन्वर्ट होंगे ओके अब फोर का मल्टीप्लाई हम टू में करेंगे तो कितना आएगा फोर का मल्टीप्लाई जब हम टू में करेंगे तो कितना आएगा अपने पास एट एक्स लिखा हुआ है तो एक्स वैसे ही नोट कर दिया अब माइनस फोर एक्स का मल्टीप्लाई तो एक्स में हो गया और माइनस टू में भी हो गया अब इसके बाद क्या करेंगे प्लस फोर का मल्टीप्लाई भी हमें इसी तरीके से करना होगा जैसे हमने एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स का मल्टीप्लाई इन दोनों में किया था ऐसे ही प्लस फोर का मल्टीप्लाई भी इन दोनों में करना होगा जितने भी टर्म्स दिए होते हैं उन सब का मल्टीप्लाई आगे वाले टर्म में करना होता है तो यहां पर प्लस फोर है और यहां पर एक्स है यहां पर कौन सा साइन आएगा प्लस का अब फोर का मल्टीप्लाई हम एक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा फोर एक्स ओके फोर है यहाँ कोई डिजिट तो है नहीं तो फोर आ गया एक्स है यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो एक्स आ गया सिंपल अब फोर का मल्टीप्लाई तो एक्स में हो गया अब इसी तरीके से प्लस फोर का मल्टीप्लाई हमें किस में करना है माइनस टू में ओके तो प्लस माइनस किस में कन्वर्ट होता है माइनस में ये साइन हमें पता होनी चाहिए मल्टीप्लाई के टाइम पर किस कौन किस में कन्वर्ट होता है तो फोर की टेबल अगर हम टू टाइम काउंट करें तो हमारे पास कितना आएगा एट ओके okay. इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है जो अभी तक करते आ रहे थे सेम वैसे ही है. यहां पर हमें इसे पावर के अकॉर्डिंग अरेंज करना होगा ठीक है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसे अरेंज करेंगे x की पावर जो सबसे बड़ी है वो यहाँ पर x की पावर थ्री है और कोई सी तो दे नहीं रखी और x की पावर थ्री यहाँ पर रिपीट भी नहीं हुआ तो इसको हम वैसे ही लिख देंगे x रेस टू दी पावर थ्री अब इसके बाद हम x की पावर टू देखेंगे यहाँ पर माइनस टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ पर माइनस फोर एक्स स्क्वायेर दिया हुआ है ये रिपीट हुआ है तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा दोनों जगह माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस नोट करेंगे मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं लेकिन जब हम एड या लेस कर रहे हैं तो माइनस का अगर दोनों जगह साइन है तो माइनस का ही साइन आएगा ओके अब यहाँ पर माइनस टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ पर माइनस फोर एक्स स्क्वायर दिया है दोनों के आगे माइनस का साइन था तो माइनस नोट किया अब इन दोनों को क्या करना होगा एड अगर सेम साइन होते हैं तो क्या किया जाता है एड किया जाता है तो इन दोनों को एड करेंगे फोर में टू एड किया तो कितना हो गया सिक्स एक्स स्क्वायर तो इस पूरी लाइन में कितने एक्स स्क्वायर माइनस के सिक्स अब इसी तरीके से x देखेंगे देखो x की पावर यहाँ पर वन है और यहां पर भी x की पावर वन है यहाँ पर क्या दिया हुआ है प्लस एट एक्स और यहाँ पर प्लस, प्लस फोर एक्स यहाँ पर पहले प्लस का साइन नोट कर दिया एट और फोर एड करने में कितना आएगा ट्वेल्व और ट्वेल्व एक्स हो गए ओके okay. माइनस एट दिया हुआ है और कहीं और डिजिट नहीं दिया यहाँ पर डिजिट देखेंगे एट दिया हुआ है और कोई तो डिजिट दिया नहीं है तो यहाँ पर माइनस एट आ गया एंड दिस इज आर फाइनल आंसर यहाँ पर important चीज क्या है कि आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है हर एक टर्म का दूसरे टर्म में अगर ये आपको समझ में आ गया तो बाकी चीज तो आप बहुत देर से पढ़ते ही चले आ रहे हो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी बाकी चीजें तो वही हैं जो अभी तक सोल्व कर रहे थे वैसे ही करना है बस मल्टीप्लाई आपको इसमें नया सीखना है ओके तो मल्टीप्लाई यहाँ पर आपके लिए न्यू है जिसे आपको सीखना है बाकी चीजें आपको आती है ट्वेंटी फाइव का सेकेंड पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है यहां पर भी दो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं और हमें प्रोडक्ट करना है तो सेम वैसे ही करेंगे जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है इसको ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे इसी तरीके से जो सेकेंड पॉलिनोमियल है इसको भी ब्रैकेट में लिखना होगा तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन दिया हुआ है इसको भी हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे जहां कहीं पर भी अगर प्रोडक्ट निकालने को बोला गया है फाइंड आउट करने को बोला है तो वहां पे हमें क्या करना होगा ब्रैकेट ऑन करना होगा ओके ब्रैकेट में क्लोज करने के बाद अब हमें क्या करना है हर एक टर्म का मल्टीप्लाई उसके आगे वाले जो पॉलिनोमियल दे रखा उसमें हर एक टर्म में करना होगा कैसे देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है दूसरे वाले पॉलिनोमियल में भी पहला टर्म एक्स स्क्वायर है कुछ और होता तो भी मल्टीप्लाई करते तो देखो x की पावर यहाँ कितनी हो जाएगी यहाँ पर टू है यहाँ टू है तो मल्टीप्लाई में पावर एड होती है टू प्लस टू एक्स की पावर हो गई फोर तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई यहाँ पर एक्स स्क्वायर में हो गया कितना आया एक्स की पावर फोर इसी तरीके से एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई हम इसके आगे वाले टर्म में करेंगे सेकेंड टर्म में क्या है प्लस थ्री एक्स है तो प्लस थ्री एक्स में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का साइन दिया है प्लस नोट किया थ्री दिया हुआ है थ्री नोट करेंगे क्योंकि कोई और डिजिट तो दिया नहीं है एक्स यहां पर रिपीट हो रहा है देखो एक्स की पावर यहाँ टू है और यहाँ वन है तो यहां पर एक्स की पावर एड हो जाएगी यहाँ टू है यहाँ वन है टू में वन एड करेंगे कितना होगा एक्स की पावर हो गई थ्री आप क्या करेंगे एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई जैसे थ्री एक्स में किया इसी तरीके से प्लस वन में करेंगे तो प्लस का साइन आएगा एक्सक्वायर का मल्टीप्लाई आप वन में करोगे तो वन में आप किसी भी डिजिट का या अल्फाबेट का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा वही डिजिट या अल्फाबेट आ जाती है ठीक है तो यहाँ कुछ भी चेंज नहीं होगा तो एक्स स्क्वायर दिया है तो ये वैसे ही आ जाएगा ओके okay. इतना करने के बाद हमें क्या करना है देखो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई तो सब में हो गया ना जितने भी टर्म्स दे रखे होंगे उन सब में करना होता है अब इसी तरीके से जो सेकंड टर्म दे रखा है पहली वाली पॉलिनोमियर का इसका भी मल्टीप्लाई हमें सेकेंड पॉलिनोम टर्म में करना होगा ओके तो यहां पर क्या दिया हुआ है प्लस थ्री एक्स इसका पहला टर्म क्या है एक्स स्क्वायर तो इसका मल्टीप्लाई हम एक्स स्क्वायर में करेंगे कितना आएगा तो यहां पर आ जाएगा प्लस क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन दिया हुआ है और थ्री डिजिट दिया हुआ है तो डिजिट हमेशा पहले लिखिएगा जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसे हम पहले लिखेंगे अल्फाबेटिकल जो भी वैल्यू दे रखते हैं उसको बाद में ठीक तो यहां पर x दिया हुआ है और यहां पर x की पावर टू दे रखी है तो x नोट करेंगे और मल्टीप्लाई में क्या होता है पावर ऐड हो जाती है यहाँ टू है यहाँ वन है एड होने में कितना आ गई थ्री तो इसको नोट कर दिया अब देखो थ्री एक्स का मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर में हो गया और कितना आया प्लस थ्री एक्स रेस टू दी पावर थ्री ओके अब इसी तरीके से प्लस थ्री एक्स का मल्टीप्लाई हमें प्लस थ्री एक्स में करना होगा सेकेंड टर्म क्या है प्लस थ्री एक्स तो इसमें करेंगे हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करना होगा तो यहाँ पर क्या है प्लस थ्री एक्स है यहाँ पे भी प्लस थ्री एक्स है तो दोनों जगह कौन सा साइन है प्लस का यहाँ प्लस आ गया ओके अब थ्री की टेबल थ्री टाइम्स पढ़ेंगे कितना आएगा नाइन और यहाँ पर x है यहाँ पर भी x है तो x की पावर कितनी हो जाएगी टू यहाँ पर वन है यहाँ पर वन है x की पावर दोनों ऐड हो जाएंगी तो टू हो जाएगा ओके अब देखो इसका स्क्वायर में किया तो मल्टीप्लाई तो ये आया अब इसी तरीके से थ्री एक्स में दिया हो। है प्लस का है तो नोट किया होता है वही आएगी यहाँ पर थ्री एक्स आ गया अब देखो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसके सारे टर्म में हो गया प्लस थ्री एक्स का मल्टीप्लाई भी इसके सारे टर्म में हो गया अब क्या करेंगे प्लस टू का मल्टीप्लाई भी हमें सेकेंड पॉरिनोमियल के हर एक टर्म में करना होगा ओके okay. तो अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस टू का पहले एक्स स्क्वायर में तो प्लस टू का एक्स स्क्वायर में करेंगे यहाँ पर क्या आएगा प्लस का साइन आएगा पहले और फिर टू दिया हुआ है तो टू नोट कर देंगे और एक्स स्क्वायर है यहाँ तो एक्स की वैल्यू है नहीं तो एक्स स्क्वायर नोट कर दिया इतना करने के बाद क्या करना है टू का मल्टीप्लाई हमने एक्स स्क्वायर में किया तो टू एक्स स्क्वायर आ गया ओके okay. अब इसी प्लस टू का मल्टीप्लाई हमें किस में करना होगा प्लस थ्री एक्स में दोनों जगह प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस नोट कर दिया मल्टीप्लाई में जब सेम साइन होते हैं तो हमेशा प्लस का साइन आएगा यहाँ पर टू की टेबल थ्री टाइम्स पढ़ेंगे कितना आएगा सिक्स ओके और एक्स दिया हुआ है यहाँ पे एक्स दिया नहीं है तो एक्स हम नोट कर देंगे वन टाइम है तो वन टाइम नोट कर दिया जो दिया होगा वो लिखना होगा अब इसी तरीके से प्लस टू का मल्टीप्लाई प्लस वन में करना होगा तो यहाँ प्लस का साइन आएगा टू की टेबल वन टाइम पढ़ेंगे कितना आ गया टू अब क्या करेंगे देखो अब वैसे ही है। इसको पावर में अरेंज करना होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में ठीक तो सबसे बड़ी पावर एक्स की क्या है देखो एक्स की सबसे बड़ी पावर यहाँ पर फोर है और कहीं तो रिपीट हुआ नहीं है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे एक्स की पावर फोर पहले इसके बाद कौन सी पावर है एक्स की पावर थ्री देखो यहां पर भी एक्स की पावर थ्री है और यहाँ पर भी और कहीं आगे दी नहीं है ठीक तो इन दोनों को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे दोनों जगह प्लस का साइन है तो यहां पर प्लस का साइन आएगा अब थ्री यहां है थ्री यहाँ तो प्लस में क्या होगा ऐड हो जाएंगे तो, तो टोटल एक्स की पावर थ्री कितनी है यहाँ पर सिक्स थ्री में थ्री ऐड करेंगे तो कितना हो गया सिक्स एक्स रेस्ट टू द पावर थ्री आप क्या करेंगे एक्स की पावर टू देखेंगे देखो यहाँ पर एक्स की पावर टू दे रखी है फिर इसके बाद और कहीं दे रखी ये दिया हुआ है नाइन एक्स स्क्वायर ये भी प्लस का है फिर इसके आगे भी दे रखी है प्लस टू एक्स स्क्वायर तो जितनी भी दे रखी होंगी उन सबको सॉल्व करना होगा तो यहां पर सभी प्लस की है तो सब ऐड हो जाएंगी अगर माइनस की होती तो, तो माइनस कर देते तो यहाँ सारे ही प्लस के हैं तो यहाँ प्लस का पहले साइन आ जाएगा और एक्स की पावर कितनी है यहाँ पर देखो एक्स की पावर टू वन टाइम है यहाँ नाइन टाइम है और यहाँ पर टू टाइम तो वन है नाइन इन दोनों को ऐड करेंगे नाइन और वन इन दोनों को ऐड किया कितना है टेन और यहां पर कितनी जरा है टू तो टेन में टू ऐड करेंगे कितना आएगा ट्वेल्व तो टोटल यहां पर एक्स की पावर टू कितनी है ट्वेल्व यहां पर हम नोट कर देंगे प्लस ट्वेल्व एक्स स्क्वेयर क्यों क्योंकि यहां पर इन सब को ऐड करने में न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी ट्वेल्व आ रही है एक्स स्क्वेयर की ठीक अब इसके बाद क्या करेंगे देखो x देखेंगे x पावर कहीं दे रखी है x की पावर टू है तो अब x सिंगल कहीं दिया हुआ है यहां पर दिया हुआ है थ्री एक्स और कहीं दिया हुआ है सिक्स एक्स और कहीं तो रिपीट नहीं हुआ बस दो जगह दिया हुआ है एक्स ठीक तो इन दोनों में भी प्लस लगा हुआ है ओके जब प्लस का साइन लगा है तो यहां पर हम प्लस नोट कर देंगे प्लस नोट करने के बाद क्या होगा देखो यहां पर सिक्स टाइम एक्स है और यहाँ पर थ्री टाइम्स एक्स है तो टोटल कितने टाइम्स एक्स हो गया सिक्स में थ्री एड करेंगे तो नाइन हो जाएगा यहां पर हम लिख देंगे प्लस नाइन एक्स यहां पर नाइन एक्स आ गया प्लस का अब इसके बाद बिना एक्स वाली वैल्यू देखेंगे तो देखो यहाँ कहीं बिना एक्स की वैल्यू दे रखी है टू दिया हुआ है और कुछ तो रिपीट हुआ नहीं है तो यहां पर टू प्लस का है तो यहां लिख देंगे प्लस टू एंड दिस इज आर फाइनल आंसर ओके समझ में आ गया होगा अगर नहीं समझ में आ रहा है कुछ तो रिवाइंड करके देख लीजिए समझ में आ जाएगा प्रैक्टिस कीजिए जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा ठीक है ओके थर्ड पॉइंट भी वैसे ही है तो सबसे पहले क्या करेंगे इन दोनों को अलग अलग ब्रैकेट में नोट करेंगे थ्री एक्स रेस टू दी पावर थ्री दिया हुआ है प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है प्लस एक्स तो एक ब्रैकेट के अंदर हमने इसको लिखा और दूसरे ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे एक्स प्लस टू को ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि यहां पर बोला गया प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई फाइंड आउट करना है अब फर्स्ट पॉलिनोमियल के हर एक टर्म का मल्टीप्लाई सेकेंड पॉलिनोमियल के हर एक टर्म में करना होगा ठीक कैसे करेंगे वैसे ही जैसे अभी तक करते आ रहे हैं यहां पर थ्री एक्स की पावर थ्री दिया हुआ है और यहां पर एक्स दिया है मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो थ्री तो वैसे ही रहेगा x की पावर यहाँ थ्री है और यहाँ पर वन है तो x की पावर क्या होती है मल्टीप्लाई में ऐड होती है थ्री है यहाँ वन है टोटल कितनी हो गई फोर तो यहाँ पर थ्री एक्स की पावर थ्री का मल्टीप्लाई जब हमने एक्स में किया तो कितना आया थ्री एक्स रेस्ट टू दी पावर फोर अब थ्री एक्स की पावर थ्री का मल्टीप्लाई हम प्लस टू में भी करेंगे तो प्लस का साइन दिया तो वो नोट करते हैं थ्री की टेबल टू टाइम काउंट करेंगे कितना आएगा सिक्स और x यहाँ पर दिया नहीं है तो यहाँ पर जो भी दिया हुआ है वो नोट कर देंगे टू दी पावर ओके तो ये हमने नोट कर दिया अब हाँ इस टर्म का मल्टीप्लाई के दोनों टर्म में हो गया जितने भी टर्म्स दे रखे होते हैं उन सब में करना होता है तो इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में हो गया अब इसी तरीके से सेकेंड टर्म का मल्टीप्लाई भी इन दोनों टर्म में करना होगा फिर थर्ड का भी इन दोनों में करना होगा जितने भी टर्म्स दे रखे होंगे फर्स्ट पॉलिनोमियल के उनका मल्टीप्लाई सेकेंड पॉलिनोमियल के हर एक टर्म से करना होता है अब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई जब हम एक्स में करेंगे तो यहाँ देखो कौन सा साइन है प्लस का तो प्लस हम नोट कर देंगे एक्स में देखो यहां पर एक्स की पावर टू है और यहाँ पर वन मल्टीप्लाई में क्या होता है पावर ऐड हो जाती है टू में वन ऐड करेंगे तो पावर हो गई थ्री यहां पर क्या आया एक्स रेस टू दी पावर थ्री अब प्लस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई हम प्लस टू में भी करेंगे तो प्लस के साइन दोनों जगह है तो प्लस का साइन आ गया टू दिया हुआ है तो पहले न्यूमेरिकल वैल्यू लिखिएगा कहीं पर भी दे रख के चाहे आगे चाहे पीछे ठीक अब एक्स स्क्वायर नोट करेंगे क्योंकि ये भी नहीं दिया हुआ है जो जो दे रखा है मतलब जिसका हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं वो हमें नोट करना होगा यहां पर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई जब हम टू में करेंगे तो हमें टू भी लिखना होगा और एक्स स्क्वायर भी लिखना होगा सिंपल अब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई तो इन दोनों टर्म में हो गया अब इसी तरीके से थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई भी हमें सेकेंड पॉलिनोम के दोनों टर्म में करना होगा यहां पर क्या दिया हुआ है प्लस एक्स और यहां पर एक्स तो जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा देखो प्लस का साइन दिया तो प्लस नोट किया मल्टीप्लाई में एक्स की पावर ऐड हो जाती यहां है यहाँ वन है यहाँ वन है तो वन प्लस वन करेंगे तो कितना आएगा टू तो फर्स्ट टर्म में तो मल्टीप्लाई हो गया अब सेकेंड टर्म में भी करते हैं तो देखो प्लस एक्स का मल्टीप्लाई प्लस टू में करेंगे तो प्लस दोनों जगह दिया हुआ है तो प्लस का साइन आ गया और टू से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो कितना आएगा पहले न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी तो टू आ गया और एक्स भी दिया हुआ है तो एक्स आ गया एक्स का मल्टीप्लाई टू में करेंगे तो टू एक्स आ गया ओके सिंपल है अब क्या करेंगे सेम वैसे ही जैसे अभी तक सॉल्व करते आ रहे हैं यहां पर जो सबसे बड़ी पावर है एक्स की वो पहले लिखेंगे तो एक्स की पावर फोर यहां पर सबसे बड़ी है और रिपीट भी नहीं हुई तो इसको वैसे ही लिख दिया थ्री एक्स रेस टू दी पावर फोर अब इसके बाद कौन सी पावर है एक्स रेस टू पावर थ्री यहां पर भी है और ये भी लिखा हुआ है तो इनको सॉल्व करेंगे क्योंकि रिपीट हो रहा है तो दोनों जगह प्लस का साइन है तो यहां प्लस नोट करेंगे यहां पर सिक्स टाइम है एक्स रेस टू दी पावर थ्री और यहां पर वन टाइम है तो सिक्स में वन ऐड करेंगे कितना होगा सेवन एक्स रेस टू दी पावर यानी कि एक्स की पावर थ्री यहाँ पर सेवन टाइम है अब क्या करेंगे एक्स की पावर टू में देखेंगे कुछ रिपीट हो रहा है तो देखो यहाँ पर टू एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है दोनों जगह प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा देखो यहाँ टू एक्स स्क्वायर है यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है तो क्या होगा टोटल कितने एक्स स्क्वायर हो गए दो यहाँ है और वन यहाँ है तो टोटल हो गए थ्री एक्स स्क्वायर ओके अब क्या करेंगे x की पावर टू तो हो गया अब x देखेंगे तो यहां पर देखो टू एक्स दिया और कहीं x दिया हुआ है नहीं दिया तो यहां पर लिख देंगे प्लस टू एक्स एंड दिस इज आर फाइनल आंसर आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो ओके okay. तो ये क्या है ट्वेंटी फाइव का फोर्थ पॉइंट है और लास्ट क्वेश्चन है इस पूरी एक्सरसाइज का तो इसे भी देख लेते हैं देखो यहां पर क्या दिया हुआ है फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या है थ्री एक्स प्लस टू तो इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे दूसरे पॉलिनोमियल को भी हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे यहाँ क्या दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन दोनों को अलग अलग ब्रैकेट में नोट कर दिया ओके अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई करना होगा कैसे करेंगे देखो हर एक टर्म जो पहले वाले पॉलिनोमियल का टर्म दे रखा है उसका हर एक टर्म का मल्टीप्लाई दूसरे वाले पॉलिनोमियल के हर एक टर्म में करना होता है अब देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है थ्री एक्स थ्री एक्स का मल्टीप्लाई हम एक्स स्क्वायर में भी करेंगे प्लस एक्स में भी करेंगे और प्लस वन में भी करेंगे ठीक है फिर इसी तरीके से प्लस टू का मल्टीप्लाई भी हम एक्स स्क्वायर में करेंगे प्लस एक्स में करेंगे प्लस वन में करेंगे ओके कर देते हैं जल्दी से यहां पर देखो थ्री एक्स दिया हुआ है और एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो यहां थ्री है इसलिए पहले थ्री नोट कर देते हैं एक्स क्या है रिपीट हो रहा है तो एक्स नोट करा इसकी पावर एड होती है मल्टीप्लाई में पावर एड होती है तो एक्स की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ टू है यहाँ पर वन है तो हो गई थ्री ओके अब थ्री एक्स का मल्टीप्लाई हम प्लस एक्स में करेंगे तो प्लस का साइन पहले नोट कर देंगे थ्री है थ्री वैसे ही नोट करेंगे क्योंकि कोई और डिजिट तो दिया नहीं है अब एक्स है यहाँ पर और यहाँ पर भी एक्स है रिपीट हो गया तो यहाँ पर वन टाइम है यहाँ वन टाइम पावर क्या होती है एड होती है तो टू हो गया वन प्लस वन अब इसी तरीके से थ्री एक्स का मल्टीप्लाई प्लस वन में भी करेंगे तो प्लस है प्लस नोट किया थ्री की टेबल वन टाइम पढ़ेंगे थ्री आएगा और एक्स को वन टाइम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स आएगा तो वन में हम किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आ जाती है अब इतना करने के बाद क्या करना है प्लस टू का मल्टीप्लाई भी हर एक टर्म में करना है तो प्लस टू का मल्टीप्लाई पहले हम एक्स स्क्वायर में करेंगे तो प्लस टू का मल्टीप्लाई जब हम एक्स स्क्वायर में करेंगे तो कितना आएगा प्लस टू एक्स स्क्वायर अब प्लस टू तो का मल्टीप्लाई हम प्लस एक्स में करेंगे तो प्लस दोनों जगह प्लस का साइन आ गया टू का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा टू एक्स यहां पर लिख दिया टू एक्स यहाँ पर टू है यहाँ एक्स है तो हो गया टू एक्स ओके अब प्लस टू का मल्टीप्लाई प्लस वन में करेंगे तो क्या आएगा प्लस आएगा टू की टेबल वन टाइम काउंट करेंगे तो टू आएगा यहां पर टू नोट कर दिया ओके okay? अब इसके आगे तो आपको बहुत अच्छे से पता हो गया कि क्या करना है ना एक्स की जो बड़ी पावर है उसके अकॉर्डिंग हमें इसे सिंप्लीफाई करना होगा तो सबसे बड़ी पावर क्या है एक्स की पावर थ्री कहीं और रिपीट नहीं हुई तो इसको हम वैसे ही नोट करेंगे थ्री एक्स रेस टू पावर थ्री वैसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर रिपीट हुआ है तो इसको सॉल्व करेंगे और कहीं तो रिपीट हुआ नहीं तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा यहाँ पर प्लस है यहाँ पर भी प्लस है तो प्लस वैसे ही रहेगा थ्री है यहाँ पर यहाँ टू है दोनों को ऐड करने में कितना हो गया फाइव और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कितने टाइम है यहाँ पर फाइव टाइम्स अब इसके बाद एक्स देखेंगे तो यहाँ पर देखो प्लस थ्री एक्स है और यहाँ पर टू एक्स है प्लस का तो और कहीं तो दिया नहीं है दोनों सेम नेचर के हैं दोनों में एक्स लिखा हुआ है तो क्या होगा एड हो जाएगा प्लस का साइन है तो प्लस नोट कर दिया थ्री में टू ऐड किया तो कितना हो गया फाइव और एक्स दिया तो एक्स नोट कर दिया अब बिना एक्स की वैल्यू क्या है टू और कुछ तो यहाँ रिपीट नहीं हुआ तो यहाँ पर सिर्फ टू आ जाएगा ओके एंड दिस इज आर फाइनल आंसर ओके सो एक्सरसाइज फाइव पॉइंट टू हमारी कंप्लीट हो गई है अगर आपको कोई भी डाउट है या क्वेरी है तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए और खुद प्रैक्टिस करिए सॉल्व करने की आपका डाउट क्लियर हो जाएगा अगर आपको कोई और डाउट है या क्वेरी है या कोई भी uh, चीज़ जो आप डिस्कस करना चाहते हो मुझसे तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो इफ यू थिंक दैट दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल इफ़ यू आर न्यू एंड वॉचिंग फर्स्ट टाइम एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर एवर मिस एनी अपडेट रिगार्डिंग ऑल दिस काइंड ऑफ वीडियोज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स आई विल कम बैक विद अ न्यू वीडियो वेरी सून Till then stay happy, stay connected, stay tuned. Take care. Bye bye.